बहुत अच्छा है, बस वो पीछे दो बच्चे जिंदाबाद लगा रहे थे। बेटा बस वो मत लगाओ, इस जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में मेरी जिंदगी के 7 साल बर्बाद हुए हैं, बाकी सब सही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए प्रकृतिस्थ हो जाइए। हम सब बड़ी थकान से आए हुए लोग हैं, मैं भी बड़ा थका हुआ हूँ। कई 5-6-7 रातों से लगातार यात्रा में हूँ, फिर दिन में मैं अजमेर गया, जाना ही था। ये सारे भगवान जितने हैं ये सब ससुराल में रहते हैं, विष्णु समुद्र में रहते हैं जहां से लक्ष्मी निकली हैं, भगवान शंकर हिमालय पे रहते हैं जिनकी बेटी के साथ शादी की है। ये जितने भगवान है सब ससुराल में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि असारे अस्मिन संसारे सारम ससुर मंदिरम। ये संसार असार है और कुछ सार है तो वो ससुराल है। तो ये अजमेर, ये ब्यावर, ये सब मेरे लिए बहुत निजी रूप से बड़ा छूने वाली जगह है। और आज तो कितनी सारी भाभियाँ, कितनी सारी सालियाँ, और वो भी फागुन के टाइम में, और क्या चाहिए। और आप सब लोगों का स्नेह है, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए इसका आनंद लें। और मुझे पता नहीं, जब मैं किसी जगह पहुंचता हूं तो घुसने के बाद पहली फील आती है उस कार्यक्रम के बारे में, और मैंने देखा है कि 99.99% वो फील सही सिद्ध होती है। उसे मंच का और कार्यक्रम का वास्तु कहते हैं, और वो कोई पंडाल कितना बड़ा है, अतिथि कैसे बैठे हैं, पेमेंट कितना मिला, इस पे नहीं होती, वो अंदर से पहली फील आती है। तो जैसे ही मैं यहां तक घुसा, वो रास्ता मुझे अजीब सा लग रहा था कि लोग कैसे बैठे हैं, पता नहीं जनता किधर है। और मैंने जूते उतारे और मैं मंच पे चढ़ा तो पहली फील आई कि पिछले 15-20 दिन से जो कार्यक्रम कर रहा हूं और आगे 15-20 दिन जो करूंगा उनमें सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों से एक होने जा रहा है आज। उसका कारण या तो यह है कि यह मंच सिद्ध पुरुषों की उपस्थिति से, संतों की वाणी से पवित्र हो चुका है। जैसे जब आप यज्ञ करते हैं तो उस जगह को पवित्र पवित्र आप छिड़कते हैं और उसको पवित्र करते हैं, ऐसे ये मंत्र तो पूज्य ऋषियों की उपस्थिति से पवित्र हो चुका है। मुझे आज पता चला कि मेरे बहुत आदरणीय महाराज अवधेशानंद जी भी आज यहाँ पधारे। मैं देर से आया था, उनका दर्शन भी कर पाता। और मनीष को मैं बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। ये अक्सर अपने निजी संबंधों का उपयोग करके मेरा आर्थिक शोषण करता है, इसके लिए मैं इसका आभारी हूँ। आइए, आपका भी स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विराजिए, इन कवियों से आपका परिचय हो चुका है। इधर सुदीप भोला, इसे आप अक्सर जानते हैं, नेताजी लपेटे में आता है और खूब आप इसे पसंद करते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए इसके लिए जोरदार। दिनेश बावरा हैं, ये पहले भी आए हैं और बंबई में रहते हैं, लाफ्टर आदि अन्य चैनलों में आते हैं, उनका स्वागत करिएगा। योगिता चौहान शायद पहली बार आई होगी यहां पर। ब्यावरी आइए बेटा, पहले आइए, प्रोग्राम में या किसी और काम से? मैं तो किसी और काम से भी आया था ना, इसलिए कह रहा हूं। तो ये पहले भी आ चुकी है और बहुत अच्छी कवित्री है, एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। इटावा के रहने वाली है। और अजय अंजाम पहली बार आया है, शायद ये पहली बार आया है। वीर रस का बहुत अद्भुत कवि है। मेवाड़ का जहां सीमांत लगता है उस जगह उसको सुना जाना जरूर चाहिए, मैंने उसे विशेष रूप से अनुरोध किया था। ये जो भाभियों की गोद में कुछ अघोषित देवर बैठ गए हैं, ये वही हैं शादी के टाइम में भी अंदर लुगाई में जाके बैठते हैं, वही वाले हैं, 4-5 6। अब बैठ गए हो तो चुप बैठना, ठीक है। ये आज के कवि हैं, मेरा नाम कुमार विश्वास है, आप चाहें तो मेरा भी स्वागत कर सकते हैं, आपका आभार व्यक्त करूंगा। ये भगवान शंकर का उत्सव है। मैं जिस दिन पैदा हुआ, बसंत पंचमी, भगवान शंकर के विवाह की तैयारियां उस दिन से शुरू होती हैं। आप में से शायद पता हो, या यहां जिन्होंने कथा व्यास थे उन्होंने आपको बताया हो कि बसंत पंचमी को भगवान शंकर का तिलकोत्सव होता है। उस दिन उनको पहली बार तिलक लगा था। और राम एक मर्यादा में है, कृष्ण एक कुशंखलता में है, लेकिन शंकर एक अकेली विश्व की ऐसी अवधारणा है जो समावेशी है, जो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। बाकी भगवानों को चढ़ाने के लिए तो किसी को प्रसाद चाहिए, किसी को चरणामृत चाहिए, किसी को मोदक चाहिए,
ये अकेला देवता है विश्व का जिसे भभूत भी चढ़ा दो तो उसे भी प्रेम से स्वीकार कर लेता है। कोई देवता देवताओं का प्रिय है, कोई शुक्राचार्य जैसा ऋषि असुरों का प्रिय है। ये अकेले हैं जो सुर असुर दोनों के प्रिय हैं। रावण भी पूजा करता है और राम भी पूजा करते हैं। ऐसा देवता मिलना मुश्किल है। और अब तो साइंस ने सिद्ध किया है एनाटॉमी से कि मनुष्य के शरीर का सबसे अधिक संवेदनशील केंद्र जहां संवेदना इकट्ठी होती है वो पेन्यूल ग्रैंड्स जो होता है वो शंकर की तीसरी आंख के बीच में होता है। तो शंकर पर अभी बहुत काम बहुत बोला जाना बाकी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं 18 तारीख को शिरडी में अपने अपने राम कर रहा हूं 2 दिन का। वहां मैं 18 तारीख को भगवान शंकर पर ही बोलने वाला हूं। और दूसरा सौभाग्य है कि 21 22 23 को उज्जैनी में जो नया महाकाल लोक बना है उसमें 3 दिन का अपने अपने राम कर रहा हूं। पहले दिन अपने अपने राम, दूसरे दिन शंकर के राम और तीसरे दिन राम के शंकर, इस पर बोलने वाला हूं। तो मैं भगवान से आग्रह करता हूं कि वे मुझ पर कृपा दृष्टि रखे ताकि इन 5 दिनों में मैं कुछ ऐसा बोल पाऊं जो वायरल होता हुआ वीडियो आप तक भी पहुंचे। मैं ऐसी आशा करता हूं, आपसे भी सद्भावना चाहता हूं, शुभकामनाएं चाहता हूं कि ऐसा बोल सकूं। इस दिशा से अब आना बंद कर देंगे तो अच्छा होगा। जो भी आए, चूंकि पहले जो लोग आ चुके हैं वो बैठे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं भगवान के इस मंच पर जहां उनका स्वयं विग्रह विद्यमान है, कहते हैं कि अग्निलिंग से ये पृथ्वी प्रकट हुई है जो शंकर का साक्षात स्वरूप था। आज रात्रि कविता के साथ साथ अध्यात्म की चर्चा भी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। चूंकि यहां संत विराजमान है या धर्म के लोग विराजमान है, जिस कार्यक्रम में संत लोग आ जाएं वो कवि सम्मेलन नहीं यज्ञ बन जाता है। और मैं कवियों से अनुरोध करता हूं कि कविताओं को संविधा समझकर अग्नि को समर्पित करें। और संविधा में जैसे केवल पवित्र चीज दी जाती है ऐसे पवित्र चीज ही दें। मैं मातृशक्ति जो आई है उसको भी प्रणाम करता हूं। बहुत कवि सम्मेलनों में इतनी भारी मात्रा में कम लोग मिलते हैं। ये पूज्य शंकराचार्य जी की बहुत आभार, आपकी इस चेतना के प्रति बहुत आभार। ये आपका प्रेम है मेरे प्रति, मैं इसे जरूर ग्रहण करूंगा। बहुत आभारी हूं, बैठ जाइए, मैं आपसे ले लूंगा। ये पूज्य शंकराचार्य जी की आविर्भाव भूमि है। हालांकि एक बार संन्यास के बाद माता पिता गुरु ग्राम सब छूट जाता है, वो पूर्व जन्म का जन्म कहलाता है, लेकिन फिर भी इस मिट्टी में तासीर है कि इसने ऐसी दिव्य विभूति पैदा की। मैं आदरणीय शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करता हूं, अपने चरण स्पर्श भेजता हूं। ये हिंदी कवि सम्मेलनों के एक औघड़ का जन्म स्थान है जिसने लगभग 20-25 साल हिंदुस्तानी कवि सम्मेलनों में तहलका मचा दिया था। मैं जब आपकी तरह नीचे बैठता था तो मैं उन्हें देखता था अपनी तरंग में पढ़ते हुए। मेरा उनसे कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था और जीवन के व्यावसायिक उद्भव के समय में वो मुझसे प्रसन्न भी नहीं थे ज्यादा, और मैं भी उनसे प्रसन्न नहीं था। लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में ये कहता हूं कि लड़ने का जो जीवट, कवि सम्मेलन को जवान करने की ताकत, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की ताकत, और बड़े बड़े दिल्ली और मुंबई के मठाधीशों से भिड़ जाने की जो ताकत ब्यावर के सुरेंद्र दुबे में थी वो कम लोगों में मिलती है। और वो ब्यावर को लेकर सम्मोहित भी थे। वो बंबई भी रहे, वो जयपुर भी रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जयपुर का हूं। वो सदा कहते थे मैं ब्यावर का हूं। अपना काव्य पाठ भी शुरू करते थे कि मुझसे स्टेशन पे एक आदमी मिल गया, मैंने पूछा कि आप कहां के, बोला मैं अजमेर शरीफ का, बोले तुम कहां के, बोले मैं ब्यावर बदमाश का। यहीं से शुरू करते थे वो। तो ये सुरेंद्र दुबे जी का शहर है, उनका नगर है। मैं चाहता हूं कि पूरा मंच और पूरा समारोह एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर सुरेंद्र भाई का स्मरण करें। उनके परिवार तक, आदरणीय भाभी जी तक, उनके पुत्र ईशान तक, उनकी पुत्री तक मेरे नमस्कार पहुंचे कि हमने अपने एक अग्रज कवि को, अपने सीनियर को हमने आदर के साथ याद किया। एक मेरे अन्य मित्र और बड़े तेजस्वी व्यंगकार इस शहर में हुए हैं, बहुत कम मुझे आजकल मिलते हैं, शिव तूफान, अद्भुत व्यंगकार। पता नहीं उन्होंने मंचों से क्यों किनारा कर लिया है, क्यों नहीं आते हैं, वो नौकरी में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। लेकिन मैं शिव भाई को भी अपना प्रणाम पहुंचाता हूं कि मैं उनके शहर में आया हूं, उनको भी मेरा नमस्कार पहुंचे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके वाचन शैली का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। आइए, मैं योगिता से अनुरोध करता हूं कि वे माँ सरस्वती की वंदना करें। इस बच्ची का गला खराब है, लेकिन बेटा जिसके मंच पर तू बैठी है उसका तो गला परमानेंट ही खराब है, क्योंकि पूरी दुनिया का गरल ही उसके गले में है। जो लोक मंगल के लिए दुनिया का जहर अपने कंठ में धारण कर ले वही शंकर हो सकता है, वही देवादिदेव हो सकता है।
तो देवाधिदेव के इस कार्यक्रम का आइए प्रारंभ करें। हरे हरे महा, जोरदार तालियों के साथ बुलाइएगा। और जिस मंत्र पर पूरे विश्व के लाडले युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी उपस्थित हैं, वो मंच खुद में एक संपूर्ण मंच, संपूर्ण विश्व हो जाता है। ऐसे मंच को नमन करती हूँ, एक बार उनके स्वागत में आपका तालियां उठे। बहुत अच्छे बेटा। और ब्यावर की जिस मिट्टी के कण कण में कोटि कोटि भाव, कोटि कोटि जो ईश्वर के वरदान समाये हैं, ऐसी भूमि को नमन करती हूँ। माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है, मैं चार पंक्तियों से मंच को नमन करते हुए पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनेगा। स्वागत है बेटा, पढ़िए। कि साधना हो सफल, मुझको वरदान दे। अच्छा। साधना हो सफल, मुझको वरदान दे, नित नई साधनाओं का सद्ज्ञान दे। वाह बेटा, जीती रही। मैं हूँ मीरा, मेरी मात कर ताल बन, मैं हूँ मीरा, मेरी मात कर ताल बन, अपने चरणों का मुझको मरज दान दे, अपने चरणों का मुझको मरज दान दे। आइए माँ से कुछ विनती करते हैं, माँ का वंदन करते हैं, जिससे आज का हमारा यह समारोह एक उपलब्धि में परिपूर्ण हो सके। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनेगा। कि वीणा धारिणी वरण प्रदायिनी माँ, वीणा धारिणी वरण प्रदायिनी, वंदन लेकर आई हूँ तेरे चरणों में, वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे। ये माँ आशापुरा का भवन है, तो आप सबकी तालियां माँ के आवाहन में उठे एक बार, कि जय मात शारदे, जय मात शारदे। वीणा धारिणी वरण प्रदायिनी, वीणा धारिणी वरण प्रदायिनी, वंदन लेकर आई हूँ तेरे चरणों में, वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे। कि संबल की सरिता तुमसे है, भावों की भविता तुमसे अच्छा है। संबल की सरिता तुमसे है, भावों की भविता तुमसे है, भाषा बोली है भिन्न भिन्न मेरी हर कविता तुमसे अच्छा है। भाषा बोली है भिन्न भिन्न मेरी हर कविता तुमसे है, नित्य हुआ नवनीत गीत माँ, नित्य हुआ नवनीत गीत, नव नंदन लेकर आई हूँ तेरे चरणों में, वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे। कि शब्दों की करतार तुम ही हो, पाणी वीणा तार तुम ही हो बेटा। शब्दों की करतार तुम ही हो, वाणी वीणा तार तुम ही हो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, धार तुम ही आधार तुम ही हो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, धार तुम ही आधार तुम ही हो। श्वेत वाहिनी अर्चन का, श्वेत वाहिनी अर्चन का अभिनंदन लेकर आई हूँ तेरे चरणों में, वंदन का चंदन लेकर आई हूँ। जय मात शारदे, एक बार सबकी तालियों से माँ के आवाहन में, कि जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात शारदे, जय मात। वाह, बहुत जीती रहिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्ची के लिए, उसने
प्रयास किया कि वो माँ का अर्चन कर सके। मैं बिना भूमिका के ज़्यादा भूमिका नहीं, एक थोड़ा सा निवेदन ये है कि जो सामने ज़मीन पर बैठ गए हैं वो तो जुड़ गए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। आप में और हम में अंतर है, हम माँ से थोड़ी दूर हैं, आप माँ की बिल्कुल गोद में हैं। और माँ के पास अगर आप कुर्सियों के, सोफों के, संपत्तियों के, शक्तियों के अहंकार लेके जाओ तो माएँ गले नहीं लगाती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शब्द के प्रति स्नेह का भाव जो बाकी लोग इधर भी बैठे हुए हैं आप सबका भी मिलेगा, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, थोड़ा जो कुर्सियां जिन पर जिनको मिल गई हैं, तो आपकी भी तालियां उठेंगी तो हमें लगेगा आप भी मुख्य धारा में सम्मिलित हो। अभी आप चुप दिखाई देती हैं, उधर से आवाज़ कम आती है। एक छोटा सा मेरा ये ऑब्जर्वेशन था, ये दृष्टि थी, इसे बिल्कुल भी आप दृष्टता में ना लें। मैं पहले कवि को जिसे बुला रहा हूँ वो बम्बई से हमारे बीच आए हैं, लाफ्टर में आपने उन्हें अक्सर देखा है कई बार, और काफ़ी व्यस्त कवि हैं, देश के दिनेश बावरा, हास्य के कवि हैं। मुझे आजकल बड़ा अजीब लगता है कि कल एक चैनल का फोन आया, उसने कहा दिवाली होली पर एक कार्यक्रम करना है सर आपको लेके। तो मैंने कहा तुम हर साल वही करते हो, चार पांच फिल्मी लोग बुला लेते हो, फिर वो जलेबी छान लेते हो, गुंजिया लगा लेते हो, जोगीरे गवा देते हो, जहां प्रोग्राम डल जाता है वहां तुम वो रंग बरसेगी गाना चला देते हो और कहते हो गाना हो गया, तो क्या करें। तो मैंने ना एक सुझाव दिया, अब पता नहीं वो प्रोग्राम होगा नहीं होगा, मैंने कहा तुम ये काम करो कि ये साल भर ये जो तुम्हारे चैनल पे कुत्ते बिल्ली की तरह लोग लड़ते हैं ना दोनों, इनको दोनों को बुलाओ मेरे सामने है, और मैं संबित पात्रा को ओवैसी से हरा रंग लगवाऊं और संबित पात्रा से भगवा रंग उसको लगवाऊं। मैंने कहा इन दोनों को गले लगवा के भिजाओ, एक दिन तो हो यार, 24 घंटे तो हो जब तुम्हारी ये चौंच लड़ाई बंद हो, क्या तुम सुबह शाम करते रहते हो। होली किस बात का पर्व है, ये फागुन किस बात का पर्व है। मुझसे पहले के संचालक ने कहा कि ये प्रेम का एक दिन, कौमुदी महोत्सव अगर मनाना सिखा दिया होता तो वैलेंटाइन डे क्यों सिखाना पड़ता, पूरा बसंत ही आनंद का उत्सव है। आज पूरी दुनिया में साइकेट्री पढ़ाने वाले लोग, मनोविज्ञान पढ़ाने वाले लोग कहते हैं कि आपके मन की ग्रंथि को खोलने के लिए आप किसी निर्जन टापू पर जाएं, वहां कुछ भी गंदी गंदी गालियां दें, कपड़े फाड़ दें एक दूसरे के, तो आपके मन का जितना भी गंदा तमस है वह निकल जाएगा। और हजारों साल पहले से हमारी ऋषि परंपरा क्या कह रही है, एक दिन ऐसा करो जिसमें चेहरा भी पुत जाए, पता ना चले कि ये बहू छोटी है कि बड़ी, और वो ससुर को भी गाली बकिया है और सास की भी साड़ी खींचाए, इसे होली कहते हैं, इसे फाग कहते हैं, उत्सव कहते हैं। ये बेसिकली इसे हिंदी में कहते हैं विरेचन, आयुर्वेद के लोग जानते होंगे, और अंग्रेजी में कहते हैं कैथारसिस, अंदर की बुरी भावनाओं को बाहर निकाल देने का त्योहार है। किसी को गाली दे लीजिए 150 सामने खड़े होकर, उसके प्रति सारा गुस्सा आपका आधा रह जाएगा। किसी बुरी घटना में रो लीजिए, आपका दुख आधा हो जाएगा। हमने अक्सर देखा है कि घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिसका किसी ने सोचा ना हो, जवान मौत हो जाए और बहू रोए ना, तो पूरा मोहल्ला उसे रुलाने में लगता है, पुरानी यादें दिलाता ताकि इसके अंदर कोई गम बैठ ना जाए। होली त्योहार है कि साल भर में अगर कोई कलुष अंदर आ गया है तो उसे बाहर निकाल दो। और जिस शंकर के मंच पर मैं बैठा हूं वो अकेली एक ऐसी अवधारणा है विश्व की कि दुनिया को तो तुम अपने पुण्य चढ़ाकर आते हो, ये अकेले देवता हैं जो पाप भी चढ़ा दो तो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इस कार्यक्रम में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, अपनी भागीदारी बढ़ाएं, आपके ठहाके गूंजें। अभी व्यवस्था बन रही है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर आ रहा है, इस बीच में मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। कवि के लिए जो पागलपन चाहिए, कवि बनने के लिए जो दीवानापन चाहिए, कवि बनने के लिए जो बावलापन चाहिए, वो उसने अपने उपनाम में धारण कर लिया है। दिनेश बावरा का स्वागत हुआ आपने किया, लेकिन उसे मंच तक लाने का स्वागत जरा ऐसा हो कि पहला कवि पढ़ने आ रहा है, सुरेंद्र दुबे के शहर में तालियों का जोर उठना चाहिए दिनेश बावरा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं भाभियों की तरफ ज्यादा आ गया हूं। हाँ बहुत ठीक है, बचे रहोगे बेटा, फागुन महीना है, भूत भावन की तरफ रहने से अच्छा है पार्वती की तरफ रहो। बहुत अच्छे, महात्मा लोगों के चरणों में वंदन है। मैं पहला कवि हूँ और
ब्यावर मैं दूसरी बार हूँ जीवन में। अच्छा। हाँ, पहली बार दुबे जी ने ही बुलाया था, और आज मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं कथा के मंच पर हूँ। तो मैं दो तीन निवेदन छोटे छोटे कर देता हूँ। देखो ब्यावर के प्यारे लोगों, शंकर भगवान को मानने वालों, हम भारतीय लोगों की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर दसवीं बार भी सुन रहे हों तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अच्छत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते। मेरा दावा ये, तो मैं जानता हूं कि आप हमें ठीक से नहीं सुनोगे। मैं जहां कहूं कि अध्याय समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव लेना नहीं। मौत महाराज जी हंस रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, संत हंसता है तो बसंत हंसता है। वाह, पंक्ति आ गई। आपका मुस्कुराना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप आइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। महिलाएं यहां बैठी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी हुई, शादी में होने के बाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी हमारे आदरणीय गुरु हैं, इन्होंने मुझे बीड़ी पीना सिखाया, अध्याय समाप्त हुआ। बदतमीज आदमी। बस यही वाला मामला है। लेकिन देखिए, मैं दुनिया में कुछ भी हो, अगर डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में हम मंच पर होते हैं, तो हम इच्छा व्यक्त करने के लिए नहीं आते हैं, परीक्षा व्यक्त करने के लिए आते हैं। माताएं बहने, बस आप दोनों का निवेदन, देखिए मैं कभी कभी आपके तरफ रहूंगा, कभी कभी इनके तरफ रहूंगा, क्योंकि जिसका मंदिर है, जिसका मंच है, उसे अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। मैं इधर भी रहूंगा, उधर भी रहूंगा, क्योंकि मैं उसका हूं। कौन है वो? जय भूत भावन। हाँ, जय भूत भावन, अघन सावन, नित्य सावन सुंदरम, जटजूट गंग निनाद कलकल, सकल ताप विमोचनम, छवि सघन घन शशि शोभित, नित्य शुभ गिरजावरम, जय भक्त वत्सल काव्य कौशल, परम हित जय शेखरम, ध्वनि गंग मधुर मृदंग भंग, सुमंग भस्म विभूषितम, अति मधुर हाथ विलास प्रतिपल, श्वास श्वास सदा शुभम, जय काम घालक मनित्य पालक, भक्त बालक मंगलम। बोलिए हर हर महादेव। हाँ, ये वाला मामला। क्या बात है। आप आनंद के देखो, इससे पता चला ये आदमी कथा करता है। मैं सही बताता हूँ, मजा आया यार भाई, आनंद लगना। देखो पुरुषों, हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा। हम नीट क्लीन रहते हैं, ये महिलाएं नहीं रहती। अच्छा, बिल्कुल। मेरा दावा है, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाकर के बाल कटा के आते हैं, दाढ़ी बनवा करके आते हैं, आते ही तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद, अध्याय समाप्त, अध्याय समाप्त हुआ, जोरदार बजाओ, मजा आनंद लगा दूंगा मैं। हम पुरुष लोग, हाँ बस आप लोग भी आइए हमारे साथ, हम महफिल सजा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए मैं किसके मंच पर हूं। एक बार मंच पर राम की कथा चल रही थी, शंकर का मन वहां कैलाश में लगा नहीं, उन्होंने पार्वती जी से कहा कि यार नीचे इतनी अच्छी कथा चल रही है ब्यावर में, कुछ देर मैं वहां बिताना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा जाइए तथास्तु, लेकिन समय पे आ जाना। हाँ, महिला तो समय वाला ध्यान रखती है। बोले समय पे आ जाना। शंकर भगवान आ गए नीचे, बोले ठीक 11:30 बजे आ जाऊंगा। नीचे आए, कथा का ऐसा रस बरसा, भगवान शंकर खो गए। उनके बगल का आदमी धीरे से घड़ी की तरफ नजर गई तो भागा, उसके बगल में शंकर जी भी उठ के भागे, तो पहले वाले से पूछा तू क्यों भाग रहा है, ब्यावर का था वो। तो उसने कहा मैं अपनी पत्नी को 10:30 का बोल के आया था, 12:00 बज गया इसलिए भाग रहा हूं, आज तो अपनी गई काम से। इतना सुनते ही शंकर भगवान भी भागे, बोले मैं तो 11 ही बोल के आया था, अपनी तो हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, लेकिन प्रेम जिससे करता है उससे डरता भी है, चाहे वो पार्वती हो या पत्नी हो। भाई साहब आप मन से सुनिएगा, मैं छोटी छोटी, देखिए मेरी शादी हुई तो मैं कुमार जी के पास गया, हमने कहा डॉक्टर साहब आप विश्व प्रसिद्ध युग कवि हो, आप कथा भी कहते हैं, आप कविता भी सुनाते हैं, आप तुलसी के भी स्वरूप में हैं, आप सुखदेव के भी स्वरूप में हैं। बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि कवि कथा सुनाए, तब आप बताइए कि मेरी शादी हो गई है, मैं बीवी को कहां लेके जाऊं। बोले हरिद्वार ले जा।
मैंने कहा शादी हुई या श्राद्ध नहीं हुआ है? तो सही बता रहा हूं आपको, वो हरिद्वार लेके गया मैं, आदरणीय रामदेव बाबा टकरा गए मेरे से। परसों बाबा ने मेरी बीवी से पूछा, हाँ। शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, ध्यान से सुनोगे मजा आ जाएगा आपको। बोले आज का पहला योग सीखो, मेरी बीवी को बोला। बीवी ने कहा कौन सा योग सीखो? बोले सीखो सांस को कंट्रोल करो। अध्याय समाप्त हुआ। वो सांस को कंट्रोल, अरे मैंने कहा बाबा ने सांस बोला, सांस थोड़ी ना बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी ने को कंट्रोल करेंगे। हम सही बता रहे हैं। बोली दूसरे दिन वापस जाएंगे, कल वापस जाएंगे, दूसरे दिन वापस लेके गए। बाबा ने कहा कि तुम्हें कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, हाँ। सांस को बाहर छोड़ो। मैं सही बता रहा हूं महाराज जी, मैं हरिद्वार में मेरा मन नहीं लगा महाराज जी, मैं अपनी बीवी को लेकर के गया इलाहाबाद कुंभ के मेले में। वहां जैसे ही डुबकी लगा के मेरी बीवी बाहर आई तो एक नागा बाबा टकरा गए। वो बाबा पीछे लग गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरा पति व्यावर में खूब मन से सुना जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो कुमार विश्वासी से खूब प्रेम करें, बाबा आशीर्वाद दो इसके जीवन में साधु संतों का खूब आशीर्वाद हो। वो नागा बाबा 10 मिनट सुने, 15वें मिनट में भड़क गए। वो बोले मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। आपको मजा आया हो तो एक बार क्या सुन रहे हैं आप? बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एम से सुन रहे हैं। मुस्कुराहट दुनिया का सबसे सबसे अच्छा श्रृंगार है चेहरे का, उससे अच्छा श्रृंगार इस दुनिया में हुआ ही नहीं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। बहुत सारी महिलाएं बैठी, एक दिन मेरी बीवी जो है के पास पड़ोसन आई, बोली माचिस दो माचिस, तो मेरी बीवी ने सास को आगे कर दिया, बोले इनको ले जाओ। हो गया। पूछा क्यों? बोले ये जहां भी जाती हैं आग ही लगाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए मैं कुछ भी कह रहा हूं आप मजा ले रहे हैं, लेकिन मेरा मन अभी आप तक पहुंचना चाहता है, एक सेतु बनाना चाहता है। मैं ऐसे मंच पर हूं, क्या क्या सुनाऊं और क्या छोड़ूं डॉक्टर साहब के मंच पर हूं, क्योंकि कविता का मंच है और सावन का है, फागुन का मंच मास शुरू हो चुका है, और यह कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनरवा, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, यही की मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे, ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के आ गया, ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और ये जन समूह एक बार हाथ खड़ा करेगा तो अच्छा लगेगा, ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए, ये कविता का रंग था, ये आनंद है। वाह, किस मंच पे हूं भाई, किस मंच पे हूं मैं? भोले के मंच पर हूं, मेरे देवता के मंच पर हूं, जुबा से भक्त के हर हर शब्द हरदम निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है, एक रोज भांग पीसती थी श्री गौरा महारानी, हुई जब देर तो शंभू की बढ़ गई हैरानी, कहा शंकर ने गौरा से लगाती देर क्यों रानी, जरा जल्दी करो देवी हमारा दम निकलता है, जरा शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है, कहा डॉक्टर साहब सुनिएगा, कहा गौरा ने शंकर से मजा क्या भांग पीने में, तो कहा शंकर ने गौरा से मजा पी पी के जीने में, जगत संहार करने का भयानक गम है सीने में, धतूरा भांग पीने से जगत का गम निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता है। अब सुनिएगा अंतिम छंद, अच्छा लगेगा, जिस भी कवि ने लिखा आनंदित कर दिया, हुए खुश भस्मा सुर पे तो उसे बर दे दिया आला, जपा रावण ने तो सोने की लंका ही दे डाला, बड़े दानी है ये भोले, अंतिम बात पर ये जनसमूह मुझे बताए मैं कविता सुनाऊंगा, बड़े दानी है ये भोले इसमें शक नहीं, लेकिन जिगर से चाहने वाला बड़ा ही कम निकलता है, बड़े शंकर के डमरू से डमक डम निकलता है, क्या बात है महाराज जी। आपको बताएं हम तो हास्य के कवि, हम 5 साल के थे महाराज जी, हम मूलतः गोरखपुर के हैं, बुलडोजर नगरी गोरखपुर,
देवरिया या आज बगल में हुई अपनो घर हम जानते ही, बुलडोजर सुनते ही महाराज जी के चेहरे पे जो सुख आया, हमारे योगी जी कमाल के हैं भैया, उनके जैसा हमने नेता नहीं जीवन में देखा, हम सही बता रहे हैं महाराज जी कमाल के, मैं महाराज जी बुलाता हूँ उनको, अद्भुत नेता है हमारे, जो सीख देते हैं अद्भुत ही देते हैं। हमारे तो हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए, जमा कराने, पहले जमा ही होते थे अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार, अध्याय समाप्त हुआ। हम सही बता रहे, पहले दिन ही मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई, तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है, बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, चाची बोली बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है, हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए, हमने कहा भाभी ये कौन है, बाबू बोले ये भैया है। हमारा माथा खराब हो गया, सही बता रहे हैं आपको, हमारा माथा खराब हुआ। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है, चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में कभी नहीं देखी। और दुनिया झूठ कहती है ये पुरुष प्रधान देश है, गलत बात है, ये स्त्री प्रधान देश है। मैं दावे से कहता हूँ, आप सब्जी मंडी जाएं, फैल गया, सारी चीजें स्त्रीलिंग होती हैं, भिंडी, धनिया, मिर्ची, गोभी, तोरई, लौकी, सब स्त्रीलिंग हमारे नाम पे, गोभी हमारे नाम पे, कद्दू सबसे सस्ता बिकने वाले आदमी हैं हम, सजी बता रहे। आप फूल मंडी जाओ, जूही, चंपा, चमेली, सब इनके नाम, गेंदा, सही बता रहे महाराज जी। नदियों के पास जाओ, सब इनके नाम पे, गंगा, जमुना, सरस्वती, सब इनका, हमारे पहाड़ हमारे नाम पर, आपकी तालियां और इज्जत है, इसके अलावा कुछ है नहीं भाई साहब। तब एक कविता बोल देता हूं, क्या बात है, बहुत मन से सुना है आपने, होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी, मुझे छंद नहीं आता, मुझे भाव गाना आता है। होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी, राधा मुठ्ठी में गुलाल लाल, भर कर आए गई ढूंढते ढूंढाते, कन्हैया को ढूंढ लिया सोए हुए, कान्हा पे रंग वो लगाए रही, लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर। 14 फरवरी अगर इस एक लाइन पर न्यौछावर हो जाए तो बताइए। होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी, राधा मुठ्ठी में गुलाल लाल, भर कर आए गई ढूंढते ढूंढाते, कन्हैया को ढूंढ लिया सोए हुए, कान्हा पे रंग वो लगाए रही, लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर, तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया, कन्हैया का गाल लाल हुआ था गुलाल से, पर राधिका का गाल बिन गुलाल लाल हो गया। ताली बजा दी, बाके बिहारी लाल की, ये रस है हमारे फागुन का, क्या कोई बरसाएगा महाराज। तब आपके बीच में एक कविता बोता हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके अपना स्थान लूंगा, डॉक्टर कुमार विश्वास जी के मंच पर हूँ, तो उस जादूगर से बहुत कुछ सीखने का मन है, मैं अपना समय उनके हिस्से में डालता हूँ, इसलिए क्योंकि वो इतने बड़े जादूगर हैं, उनके मंच पर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तालियां बजा करके मुझे मुहर बताइए कि मैं अच्छी बात करा। तब एक कविता सुनिएगा, अब आपका कान चाहिए मुझे, बहुत मन के साथ सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री महाराज जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। 2 मिनट और लेता हूं, ये हिंदुस्तान क्या, एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान, तो हमारे कुमार विश्वास जी से हमने सीख के बताया कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिंद धवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीराधार है, जिसके कटी प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणि मालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्ज ऋतुए बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती है, वो मेरा देश भारत है। उसके समझ में नहीं आया महाराज जी, उसमें ठोस तरीके से समझाओ। तो हम अपने आंगन में लगे हुए तुलसी माता के पौधे के पास उस अंग्रेज को ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा हैं। बोले ये माता हैं? बोले यस।
तुलसी माता के उसने पौधे को उखाड़ा महाराज जी, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी माता, ब्यावर के लोगों मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हाँ। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो, उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया कि अंग्रेज खुद ही बोला अध्याय समाप्त हुआ। तब आपके सामने कविता बोल रहा हूँ, आनंद चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने चीज लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। हाँ। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। हाँ। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना, वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे, अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला लगता है रामलीला के सताए हुए हो, या तो फिर पागल खाना समझ के आए हुए हो। राम जी बोले न मैं रामलीला का सताया हुआ हूँ, न पागल खाना समझ के आया हुआ हूँ। ये दो पंक्ति कलेजे को छुए तो इस बच्चे तक आशीर्वाद भेजे जनता। न पागल खाना समझ के आया हुआ हूँ, आप तो मेरी अर्जी पर ध्यान दे दें, हूं तो मैं राम पर आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दें, आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दे, आप आम आदमी समझ के मकान दे दे। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हो इस बात का क्या प्रमाण है। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है, प्रमाण के चलते ही तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। अरे न जाने राजनीतिक कड़ाही में कितनी बार तला गया हूं, त्रेता युग से ज्यादा तो कलयुग में छला गया हूं, त्रेता युग से ज्यादा तो कलयुग में चला गया हूं, आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अयोध्या वासियों के तरफ से दो पंक्ति आप ब्यावर वालों मुझे विदा करिएगा, मैं अपनी कुर्सी पे जा रहा हूं, दो पंक्ति अगर लग जाए तो ये पूरा पांडाल इस कवि सम्मेलन के पहले कवि को ऐसा प्यार दे कि इनकी हिम्मत बढ़ जाए। त्रेता युग से ज्यादा तो कलयुग में छला गया हूं, अधिकारी आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अधिकारी एक बार कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी राम की है और राम की ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका शायद मन नहीं भरा तो एक बार तालियां बजा दीजिए आप जोरदार। बहुत मन के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि उसी समय शंकर पर, उसी समय भगवान कृष्ण पर, गोपिकाओं पर छंद याद कर लेना, स्मरण कर लेना, प्रस्तुति दे देना, ये दिनेश बावरा का एक कौशल है। मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि आपके हर कार्यक्रम में अक्सर वो क्यों रहता है, क्योंकि वो उन खिलाड़ियों में है कि अगर पिच पे पानी भरा हुआ हो तो भी फास्ट बॉल फेंक लेता है। आपका तो पिच ठीक ठाक था आपने तो, लेकिन इसकी तारीफ के साथ साथ आपकी तारीफ भी कि आपने बहुत अच्छे से सुना, एक बार अपने लिए भी आप तालियां बजाइए बहुत मन से सुन। एक बड़ा आश्चर्य है इसमें पूरे कार्यक्रम में कि महिलाएं ज्यादा प्यार से सुन रही हैं, ज्यादा अच्छी तालियां बजा रही हैं, ये तो सटके बैठे हैं, पता नहीं क्यों ताली नहीं बजा पाते हो, पीछे वाले तो बिल्कुल। सबसे महाराज जी ने, परम पूज्य कपिल मुनि जी महाराज यहाँ विराजमान है हमारे उत्तराखंड की देवभूमि से पधारे हैं, उन्होंने बड़ा आनंद लिया। और देखिए ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। ईश्वर की अनुभूति मनुष्य को पहली बार परमानंद में हुई, फिर ईश्वर के ना मिलने की ललक उसे पीड़ा में हुई। और अगर आज यहां संतों को आनंद देने का हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने जितना पुण्य किया, तपस्या की, उसका 1% हिस्सा हमें भी मिल रहा है, हम उसे स्वीकार करते हैं। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो मेवाड़ की सीमांत प्रदेश में सुने जाने योग्य कवि है। ये बीच में थोड़ी सी जगह की समस्या है जहां हमारे थोड़ा सा थोड़ा शांत, पीछे वालों को बिठा लो,
पुलिस कर्मियों से भी अनुरोध है कि इन मित्रों को जो खड़े हैं ये रात भर बेटा खड़े रहोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, बैठ जाओ। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि जगह कम है, लोग ज़्यादा हो गए, जनसंख्या ज़्यादा हुई है, तो ये आपका सब निजी पराक्रम है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। नहीं मतलब यहाँ आप फिर गलत समझ रहे हैं यार, तो थोड़ा सा मन बना लेंगे। मैं राजस्थान पुलिस का आभारी हूँ कि व्यवस्था बनवा रहे हैं, हालांकि पुलिस राजस्थान की कैसी भी हो उत्तर प्रदेश से बढ़िया तो हो ही नहीं सकती। हाँ यार हमारी पुलिस सबसे अच्छी है भाई, हमारी पुलिस इतनी शालीन इतनी सभ्य है, अपराधी के घर नई फॉर्चूनर लेके जाती है, कहती है साहब बैठ के चलो, अपराधी कहता ऊंट पे बैठ के चला जाऊंगा पर महाराज जी की गाड़ी में नहीं बैठूंगा मैं, पता नहीं कहाँ पलट जाए भाई गाड़ी में, भरोसा थोड़ी है। ये तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बंद कर लीजिए, ये देखो आधी रात इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पाल लोगे बेटा तो किस दिन फंस जाओगे, बड़ा बुरा माहौल चल रहा है आजकल, मध्य प्रदेश में पूरी सरकार फंस गई थी। ये पूरी मेवाड़ भूमि आपको सामान्य लगती होगी, हम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, मध्य प्रदेश से हैं, मेरे साथ जब भी कभी सफर करते हैं तो मैं उन्हें सुनाता चलता हूं। कल मैं जालौर में था और जालौर का जो मैंने इन्हें कहानी सुनाई, बड़ी से बड़ी लव स्टोरी फेल है और इनको पता भी नहीं थी कि अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की थी फिरोजा, और जब कानड़ देव जी के लड़के युवराज कुमार बिरम देव दिल्ली गए तो उसने झरोके से उस लड़के को देखा और उसने अपने पिताजी से खिलजी से कहा कि मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा अब्बा हुजूर, मुझे बस ये कर दो, मुझे ये लड़का दिला दो, मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ। उसने कहा इसमें क्या खास बात है, इनसे तो हमारी संधि हो गई, अभी कर लेगा। उसने बिरम देव से कहा कि मेरी बेटी से शादी करो, निकाह करके अपनी दुल्हन को अपने गाँव ले जाओ। लड़का राजपूत था, राठौरों का खून था, उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे शादी नहीं होती, पिता की अनुमति से बारात लेकर आऊंगा। और वहां जाकर उसने एक दोहा भेजा और उसने कहा कि मायड़ लाजो भाटिया, मेरा नानसरा भाटियों में उन्हें लज्जित करूंगा मैं, और अगर शादी कर लूंगा तो मैं राठौर हूं अपने कुल को लज्जित करूंगा, एक राजपूत होकर इस तुर्कणी को घर लिया हूं तो मैं अपने खानदान को लज्जित कर दूंगा, ऐसा लिख के भेज दिया। लेकिन आश्चर्य देखिए कि फिरोजा चूंकि भारत में आ गई थी और हिंदुस्तान तो मोहब्बत का देश है, वो फिदा हो गई, उसने अपने बाप से कहा मुझे चाहिए, बड़ी सेना भेजी गई, 2-2.5 साल युद्ध चला, फिरोजा खुद आई जालौर और उसकी जो धाय माती सनोबर, उसने 5,000 तुर्क सेनापतियों को देकर कहा कि अम्मा तुमने मुझे दूध पिलाया है, इसका बाप कट जाए, इसके भाई कट जाए, कोई मर जाए, ये जिंदा आना चाहिए। सबसे आखिर में बिरमदेव को रखा गया, उनके पिता कानड़ देव लड़ते हुए स्वर्गीय हुए, उनका भाई स्वर्गीय हुआ, सब कुर्बान हो गए। जब आखिर में लगा कि किला अब गिरेगा, अब खिलजी की सेना के हाथ में पड़ूंगा, तो बिरमदेव ने खुद के पेट में कटार मारी, उसके ऊपर पट्टा बांधा ताकि ब्लीडिंग से मर सकें, पकड़े ना जाएं, और 1.5 पहर लड़ने के बाद वो गिरे। जब सनोवर वहां भागी तो देखा कि उनका शव है, तो वो उनके सिर को एक थाली में सजाकर ले गई थी सुगंधित द्रव्य में। और सुनते हैं कि फिरोजा ने जब अपने उस मन माने हुए शौहर को देखा तो मरे हुए बिरमदेव का, दिवंगत बिरमदेव का, शहीद बिरमदेव का सिर फिर मुड़ गया, फिर वो उधर गई तो फिर सिर मुड़ गया। और बाद में उस तुर्कनी ने एक दोहा कहा और उसने कहा कि हूं तो मैं तुर्कनी पर हिंदुवानी हूं रही हूं मैं पिछले किसी जन्म में हिंदू होकर तेरी पत्नी रही थी, गलत जगह पर पैदा हो गई इसलिए तूने मुझे छोड़ दिया, कम से कम मरने के बाद तो मेरा मुजरा कबूल कर, मेरा सलाम कबूल। और इलाके की सारी चंदन की लकड़ियां मंगाकर फिरोजा ने उनका अंतिम संस्कार कराया। और इस आखिरी पंक्ति पर मोहब्बत का चमत्कार इस मिट्टी का देखोगे, जो तलवार और मीरा को एक साथ गाती है कि जब बिरमदेव जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो फिरोजा ने सनोबर से कहा कि हमारे यहां दफन किया जाता है लेकिन मैं मुसलमानी पैदा नहीं होना चाहती, मैं अगले जन्म में इसकी बीवी बनकर पैदा होना चाहती हूं, तो वो उसी चिता में कूदकर बिरमदेव के साथ ही सती हो गई। आज भी जालौर के किले में फिरोजा की छतरी बनी हुई है। ये मेवाड़ भूमि वो है जहां गली गली कोई ना कोई किस्सा है, कोई ना कोई कहानी है। मैंने कभी मंचों पर कहा था, लोगों ने इस पर कविता बना ली, पूरे विश्व का इतिहास तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और भारत का इतिहास दूसरे पलड़े में रखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा। अगली पंक्ति पर फिर तालियां देना, अगर भारत का इतिहास एक तरफ रखा जाए और राजस्थान का इतिहास एक तरफ रखा जाए तो राजस्थान का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगली पंक्ति पर दोनों हाथ उठें, पूरे राजस्थान का इतिहास एक तरफ रखा जाए और मेवाड़ रख दिया जाए तो मेवाड़ का पलड़ा भारी हो जाएगा।
ये जो गगन में आज तिरंगे के ऊपर का शीर्ष पर भगवा फहराता है, जिसका उत्तरीय लेकर ये पूज्य ऋषि संत यहां बैठे हुए हैं, उसकी लालिमा, उसकी चटक बनाए रखने के लिए अगर किसी ने अपनी केसरिया तलवारों का पानी पिलाया है तो इस मिट्टी का नाम मेवाड़ है। मैं मेवाड़ की उसी मिट्टी के गुण वर्णन के लिए उत्तर प्रदेश के एक लड़के को बुला रहा हूं। आप सोच कर देखिए कहां रहता है, कृष्ण के वंशजों के बीच में, अहीरों के इलाके में, औरैया में रहता है। और औरैया में रहकर उसके लड़के के मन में, यहां आए बिना, वो कभी आया नहीं, यहां कभी घूमा नहीं था मेवाड़, और अब मैंने तय किया है कि मैं मेवाड़ में जहां कहीं जाऊंगा मैं अजय अंजाम को साथ लेकर जाऊंगा। जहां भी मैं जाऊंगा इस लड़के को कविता पढ़वाऊंगा, चित्तौड़ के किले में कविता पढ़वाऊंगा, कुंभलगढ़ के प्राचीर से पढ़वाऊंगा। क्योंकि मैंने पहली बार जब इसकी कविता पढ़ी तो मुझे भी रोमांच हो गया जब मैंने सुना। अब मैं आपसे अगले 15-20 मिनट की शांति मांगता हूं कि आप बिल्कुल ये परिचय दीजिए कि आपके घर में आपके गुण स्मरण के लिए एक कवि उत्तर प्रदेश से आया है। मैं अजय अंजाम को आमंत्रित कर रहा हूं, एक बार तालियां बजाकर आप इसका स्वागत करें। अजय अंजाम, जरा तालियों में वो गर्मी नहीं आई जो होनी चाहिए थी, एक बार जोरदार तालियां बजा। बेटा बेटा बेटा, स्वर की अधिष्ठात्री मां शारदा को प्रणाम करता हूं। आशापुरा देवी के भक्त बैठे हुए हैं उनको अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। भगवान शंकर का बड़ा मंच है जिनके विषय में बहुत सी चर्चाएं हुई, उनका भी अभिनंदन करता हूं। जिन गुरुओं ने इस मंच को पवित्र किया उनको प्रणाम करते हुए हम सबके गुरु युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं और अपनी कविता शुरू करता हूं। स्वागत है। मेरी कविता मेवाड़ के गौरव राणा प्रताप से जुड़ी हुई है। तालियां कमजोर रह गई आपकी। अच्छा, आएगा रंग आएगा बेटा आएगा। और राणा प्रताप पर मैं क्या लिखता, मैंने उस उनके उस बलिदानी घोड़े चेतक पर कविता लिखी है। बाप की बड़ी पक्ष वाली तालियां चाहिए मुझे। प्रणाम करता हूं, माताएं बहने बैठी हैं, सीधे सीधे कविता शुरू करता हूं। मुझे लगता है पहले बहुत छंद से ही आप जुड़ जाएंगे। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। आहा, क्या भाषा है, वाह। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था संसार के अन्य युद्धों से। एक निवेदन करता हूं, पूरे पंडाल का पूरा ध्यान मिलेगा तो कविता आप तक पहुंचेगी। बेटा अलग था। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, अन्य युद्ध पंक्ति अगर आपके हृदय तक पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना। अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था। वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। अभिनंदन करता हूं, कविता निवेदित करता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं, वाह क्या बात है अजय, वाह अजय वाह। निवेदन करता हूं, जीते रहिए। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। ये वो नदी है जो मेवाड़ में बहती है। इसी नदी का पानी पीकर राणा प्रताप की शिराओं में वो तेजाब खोला था कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी से लेकर दिवेर की घाटी तक 6 बार मुगलिया सल्तनत को पटक के मारा था। उसकी कविता सुनाने चलता हूं। बैटल ऑफ दिवेर। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोल। कौन थे राणा प्रताप, निवेदन करता हूं। वाह, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो, जीते रहो बेटा, वाह। जो सूरज के आगे चलता, अरुणी
जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। हकवैया। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। बहुत अच्छे बेटा, वाह। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह को तो जानते होंगे ना, जिसको बचाने के लिए एक गुजरी ने अपने बेटे चंदन का सिर बलवीर की नंगी तलवार के सामने रख दिया था। उस गुजरी धाय माँ को प्रणाम करती हुई तालियां देखना चाहता। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, जालौर की थी। माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य सामने रखता हूं। अगर आपको कहीं लग जाए कि वो तलवारें चमक रही हैं, वो छुरियां छमछम आवाज कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के छोटे के बेटे को इसलिए भी आशीर्वाद देना कि आपकी मिट्टी के पर एक कविता लिख करके मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं, निवेदित कर। स्वागत है। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा, एक निवेदन कर दूं, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये कोई तंजीमों का युद्ध नहीं था, ये मजहबों का युद्ध भी नहीं था, ये धर्मों का युद्ध भी नहीं था, ये आतताई के अहंकार के सामने राजस्थान के पौरुष और पराक्रम का युद्ध था, तब निवेदन करता हूं। अच्छा। क्योंकि अगर ये मजहबों का युद्ध होता तो अकबर की सेना में मानसिंह और राणा प्रताप की सेना में हाकिम खान सूरी नहीं होता सेनापति। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं निवेदित करता हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के विरुद्ध रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु वनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, अब आनंद लेना, इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन, जो जारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुग्धर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन खन, तालियां कमजोर हैं आपके साथ मिलाइए, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झनझन जनार्दन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे। अगर उस पराक्रम पर गौरव करने का मन हो तो पूरा सदन आगे से पीछे तक तालियां दे। सिर कटकर गिर जाते थे, सुन लीजिए, पहले हम लोग घड़ी साबुन है पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। सिर कटकर गिर जाते थे, कल्ला राठौर, जयमल राठौर को याद कर लेना, आपकी कथा के नायक हैं, मंदिरों में आप बिठाते हो, प्रणाम करते हो उनको। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। इतना सुंदर है। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। अब पंक्ति पर आपकी तालियां चाहिए। वो नीले घोड़े का सवार, नीलो घोड़ो रो सवार, तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था, दिखाई देता था। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। युद्ध का एक और सबसे तेजस्वी दृश्य रखता हूं, उसके बाद मैं जानता हूं आप युग कवि को सुनने आए, डॉक्टर कुमार विश्वास को। अपनी भूमिका संक्षिप्त करते हुए एक बड़ा बंद सुनिएगा, तेजस्वी बंद सुनिएगा, कुछ पंक्तियां अच्छी लगे तो हंगामा देखना चाहते। भैरों बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठे,
फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। पंक्ति अब संभालना, अच्छा है। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, एक बड़ा दुर्धर्ष योद्धा था अकबर की सेना में, बहलोल खां, कुछ लोग उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। अकबर को बड़ा घमंड था कि इससे कोई जीत नहीं सकता, हमारे राणा के सामने युद्ध में फंस गया, हल्दी घाटी के युद्ध में। दस मिनट खेले राणा, 11वें मिनट में छलांग लगाई, तलवार का ऐसा प्रहार किया कि सिर त्राण कटा, सिर कटा, धड़ कटा, घोड़े के भी दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। ऐसे महानायक की कविता सुनाने चलता हूं, आपका ध्यान मांगता हूं। भैरों बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, पल में आप याद सोच के देखे, इधर से चौहान चिल्ला रहे होंगे आशा पूरा मैया की जय, कोई चिल्लाता होगा तुलजा भवानी की जय, कोई नारे लगा रहा होगा एकलिंग महाराज की जय, उधर से भी आवाज आ रही होगी नाराय तकबीर अल्लाह अकबर या अली या वली। ऐसे में जब तलवार किसी की गर्दन पर घलती होगी तो क्या मंजर होता होगा, उस मंजर को अगर ठीक से व्यक्त कर दिया हो तो आपकी बड़ी तालियां मांगता हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की, पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। मुगलों की अभिमानी घुड़की, पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा। अरे चेतक घुस गया विचारों में, राणा पर होता वार अगर। डॉक्टर कुमार विश्वास जिस मंच पर होते हैं सामने वाले सब कवि हो जाते हैं, हजारों पंक्तियां उनकी गुनगुनाते हैं। मेरा निवेदन है सिर्फ एक पंक्ति मेरी वापस कर देना, मैं एक पंक्ति कह के रुकूंगा, अगर ब्यावर ने वापस कर दी तो मुझे लगेगा मेरा आना सफल। क्या बात है बेटा, जीते रहिए, वाह वाह वाह। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। पंक्ति वापस कर देना दोस्त। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां। जिंदाबाद, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं ब्यावर आपको। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत दिखाई देता था। अच्छा है, अच्छा है। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई, तो वहां दिखाई देता था। पंक्ति अब संभालना, मेवाड़ विजय के रास्ते में अकबर ये अहंकार लेकर के निकला था कि पूरा हिंदुस्तान तो जीत लिया, चित्तौड़ भी जीत लेंगे, मेवाड़ भी जीत लेंगे। घोड़ा बीच में खड़ा हो गया, हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। तब नमन करता हूं, आपकी बड़ी तालियां मांगता हूं। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से बहुत आभार, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। थी बाघ मुक्त नीली आंधी मर्दी, अच्छा है। एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था, बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था, जिसकी छाती पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मानसिंह हाथी असवार नजर आया, राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया, राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया, अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया, आघात अश्रु का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा, इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा, गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा, गंगोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। क्या बढ़िया है। आगे करुणा का सागर है,
इस करुणा में थोड़ा रो लो, रो लो राणा चेतक के साथ साथ, साथ भारत, भारत माता की जय बोल। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। अच्छा पढ़ा, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी ये कविता ना तो ओज की कविता है, ना रौद्र की कविता है, ना वीर रस की कविता है, एक ट्रू लव स्टोरी है दो ऐसे नायकों के बीच जिसमें एक बोल नहीं सकता था और दूसरा उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अपनी मोहब्बत के लिए अपने प्राण ने उछावर कर दिए। उस चेतक की कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं, सुन ली। राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था। लोग कहते हैं वीर रस की कविता बहुत चिल्ला के पढ़ी जाती। मैं सांस की जुम्बिश से भी एक आध पंक्ति पढ़ूंगा और आपकी तालियां सबसे भरपूर वहां पर मांगूंगा। मेहनत है। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 7-1 हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। जी भाई साहब, 7-1 का अनुपात था। एक तरफ 70,000, एक तरफ 10,000, 7-1 का। डॉक्टर साहब बता रहे हैं अनुपात, ये अनुपात था। फिर भी देखिए किस पौरुष और पराक्रम के साथ लड़े। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीभूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, झाला माना भी कहते हैं कुछ लोग। देखने में राणा प्रताप जैसी सूरत थी, क्या दोस्ती होती थी उन दिनों यार। इतने में झाला पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। तब एक लिंग का नाम लिया। तब अंतिम कुछ पंक्तियां पूरा कंसंट्रेट करके सुन लीजिएगा। तब एक लिंग का नाम लिया झाला माना ने, तब एक लिंग का नाम लिया। दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को, झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त। लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत, चेतक छलांग लगा बैठा राणा की रक्षा करने को। अंतिम छलांग लगा, क्या बात है अजय, क्या पढ़ा है तूने, अद्भुत। हा 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 हा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक, दृश्य बनाइएगा अपने आंखों में, थोड़ा मेरी और थोड़ा कंसंट्रेशन मेरी, ये सब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कविता का सबसे मार्मिक स्थिति में हूं मैं, आपका ध्यान जरा सा भी गलत होगा तो मेरी लय टूटेगी। स्वागत। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। अभिनंदन करता हूं ब्यावर, मुझे पता था राजस्थान इसी अनुराग के साथ सुनेगा। बस एक याचना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, वीर चीतकार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा, चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे, अब सांस की आवाज से पढ़ता हूं,
और आकाश भर तालियां देखना चाहता। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। क्या रंग पैदा करा इसने। और एक वचन मेरा भी अंतिम पंक्ति विदा करना, और एक वचन मेरा भी है, 600 वर्ष के इतिहास में राणा के दिए हुए वचन को अगर पूरे अहले हिंदुस्तान ने निभा दिया हो, आज भी अगर कहीं राणा की मूर्ति देखी हो, उस मूर्ति में मेरी ये रिसर्च फिट बैठती हो, तो तालियों से विदा कर देना। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी चेतक, तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, भाई जिंदा। अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। भाई वाह वाह वाह, हम पर बहुत आरोप लगते रहे कभी सम्मेलनों पर कि वहाँ से कविता गायब हो गई, चुटकुले सुनाए जाते हैं, लेकिन आज ब्यावर में भगवान शंकर के इस मंच पर आपने सिद्ध कर दिया कि अगर कविता सुनाई जाती है तो सुनी भी जाती है। इसीलिए मैं राजस्थान को कहता हूँ कि ये एक ऐसा ड्रीमलैंड है। मुझे लग पता नहीं मेरा पिछला जन्म यहाँ से था, क्योंकि मेरा तो संबंध ही आपसे, जिंदगी में दो चीजें आदमी को चाहिए, एक रोटी एक बेटी किसी की। मेरी नौकरी यहाँ लगी और ब्याह भी यहीं हुआ, तो मेरा तो घर ही यहीं से चलता है। मेरी पत्नी कितनी भी अंग्रेजी बोल ले, कितने भी बड़े पद पे हो जाए, घर से माँ का फोन आता है तो माई माँ तो दुख रही हो, ये तो इतना ही बात तो वही चलती है, वही कैर सांगरी खानी है, वही गट्टे खाने हैं, और बच्चों में भी वही संस्कार आया। मैं इन लोगों को जब भी राजस्थान घुमाता हूँ तो मैं राजस्थान में कोशिश करता हूँ कि जहाज़ से यात्रा नहीं करूँ, चार्टर से नहीं करूँ, हेलीकॉप्टर से नहीं करूँ। कल भी मैं जहाँ था उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको गांधीनगर से एयरलिफ्ट कर देंगे और सीधे हम आपको, कहाँ गए थे हम कल, कहाँ थे, जालौर, जालौर पहुँचा देंगे। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आएगा, रास्ते में जाता हुआ जाऊँगा तो मुझे पता लगेगा ये वो जगह है जहाँ रत्ना कुमारी का डोला उठा था, ये गोगुंदा है जहाँ महाराणा ने विश्राम किया, ये चावण है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, और मैं अभिभूत हो जाता हूँ, मुझे दृश्य आ जाते हैं। और यही शायद मेरे ख्याल से खून में होता होगा। मानसिंह तुम्हें पता है दिनेश संधि की शर्तें लेके आए और खाना खाने बैठे, महाराणा को खाना खाना चाहिए था, लेकिन महाराणा के मन में ये एक हनक थी कि जिसने अपनी बहन की शादी दिल्ली के नरेश से कर दी, उसके साथ भोजन कैसे करूं, अब मना कैसे करते। तो अमर सिंह को भेजा अपने बेटे को, वो पिता से भी आगे, उसने कहा कि राणा नहीं आए, तो उसने कहा कि पिताजी के माथा दुख रहा है, माथो दुख रहे हो है। तो मानसिंह को समझ में आ गया कि मेरा अपमान कर रहे हैं, तो मानसिंह ने थाली छोड़ दी और जाते हुए कहा अपने बाप से कह देना अब मैदान में मिलेंगे और दिल्ली से दवा लेकर आऊंगा। लेकिन यह तो मानसिंह ने कहा, लेकिन शेर का बच्चा शेर होता है। अमर सिंह ने जो जवाब दिया मुस्कुरा के, मानसिंह उसी दिन आधा युद्ध हार गए। बोले पिताजी की ओर से कह रहा हूं अकेले मत आना, फूफा को भी लेके आना। अकेले मत आना, और फूफा को देखो कि फूफा की हिम्मत नहीं हुई सामने पढ़ने की। इतिहास का पन्ना ही अलग होता अगर नरनाहर महाराणा प्रताप और सामने वो होता तो पता चलता कि दिल्ली के उस पार के पानी में जवानी है या बनास के इस पार में रवानी है, ये पता चल जाता। लोग हमसे कहते हैं कुंभलगढ़ के उस कमरे में क्या है जो आप साल में एक बार जाके वहां रोते जरूर हो। इस कृतज्ञ देश में जो किसी का एहसान नहीं मानता, यहां दिल्ली के JNU के जवान लड़कों के चेहरे के टी शर्ट पर मैं एक क्यूबा के विद्रोही की फोटो देखता हूं। ये जो हमारा छोटा भाई बोल रहा था दाढ़ी, ऐसे बहुत बच्चे घूम रहे हैं जो उस क्यूबा के विद्रोही की फोटो लगा के घूमते रहते हैं, फिदेल कास्त्रो की फोटो लगा के घूमते रहते हैं। इस दूरी दुनिया में अगर स्वतंत्र चेतना का कभी तटस्थ भाष्य हुआ तो उसमें जहां गीता रखी जाती है वहां महाराणा प्रताप का चरित्र रखा जाए।
आज मैं अजय को बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उसने मुझे कवि सम्मेलन में कविता सुनाते पढ़ते 34 साल हो गए, 5000 रात जाग लिया 44-45 देशों में। रात में कभी कभी एक क्षण आता है जब मैं थ्रिल होता हूं, जब मेरा गला रुंध जाता है, जब मेरे अंदर रोमांच पैदा हो जाता है। मैं आज अजय को इसलिए आशीर्वाद देता हूं कि इसने काव्य पाठ के दौरान वो क्षण पैदा करा कि मैं अंदर से थ्रिल हुआ। ये मुश्किल समय है कि मैं दूसरे कवि को पढ़वाऊं, क्योंकि इसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया। वीररस के नाम पे क्या पढ़ा जा रहा है, पाकिस्तान? सुरेंद्र दुबे ही कहते थे, मैं उन्हीं के गांव में बैठा हूं, दुबे जी कहते थे, यार मुझे कई बार लगता है कि ये पाकिस्तान नहीं होता तो अपन देशभक्त भी होते कि नहीं होते। और मैं आगे बढ़कर एक पंक्ति कहता हूं, दुबे जी को स्मरण करना और मुझे भी सराहना, वो कहते थे कि पाकिस्तान ना होता तो अपन देशभक्त भी होते कि नहीं होते। मैं कहता हूं कि अपन देशभक्त ही होते तो ये पाकिस्तान ना होता। ये इस समय जिस समय देश में लगभग 75 अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, भगवान शिव के इस मंच पर ऐसे उत्सवों की प्रासंगिकता है मनीष। जब भी ये शाम सजाओ, चाहे मैं ही अपने अपने राम करूं, चाहे कोई आकर बोले, चाहे पूज्य संत चरण यहां पर आए, एक दिन कविता की शाम जरूर हो। मैं, हमारी माएं बैठी हैं, हमारी भाभियां बैठी हैं, हमारे घरों की लड़कियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, एक शादी हुई है उसका बड़ा जलवा है। अच्छा, ये सब कुकर्म बाहर करके आते हैं, ब्याह करने राजस्थान आते हैं बंबई वाले, पता नहीं ये क्या है। अच्छा, राजस्थान में अगर ब्याह करने भी आए हो तो कम से कम राजस्थान से मोहब्बत सीख के तो जाओ कि मोहब्बत कैसी होती है। मैं शर्मिंदा उस दिन नहीं होता जिस दिन तुम राजस्थान आते हो, अच्छी बात है टूरिज्म बढ़े। मैं शर्मिंदा उस लिए होता हूं कि मेवाड़ में अपने वचन पर जूझ जाने वाले जिस किले में तुम विवाह करते हो, उसके 2 साल बाद सप्तवदी के साथ तो वचन ठुकरा कर किसी और के साथ सोने लगते हो, मैं उस दिन शर्मिंदा होता हूं। हमारी मां मीरा महाराणा सांगा के छोटे भाई कुंवर भोजराज की पत्नी, कान्हा के प्यार में दीवानी हुई, मेड़ता की राजकुमारी, तो शाम के समय कुंवर भोजराज जो राजा बनने वाले थे उनसे उनके दोस्त मजाक करने लगे। एक मूलगे दोस्त ने कहा, कैसे मेवाड़ कुलाधिपति हो, कैसे मेवाड़ के राजकुमार हो, कैसे ठाकुर साहब हो, कैसे बना हो, कैसे भंवर जी हो, तुम्हारी घरवाली तो दूसरे के गाने गाती है, किसी और से प्रेम करती है। प्रेम को मान्यता शायद यही भूमि दे सकती है जिसमें आप बैठे हो। आपकी ताली गूंजे कुंवर भोजराज के उत्तर पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त मैं अपनी पत्नी के कन्हैया के प्यार में पागल होने का बुरा नहीं मानता, क्योंकि प्रेम में मेरी टक्कर जिस आदमी से है उससे जीता तो भी इतिहास में लिखा जाऊंगा और हारा तो भी इतिहास में लिखा जाऊंगा। ये मेवाड़, यहां आग भी सुनी जाती है और राग भी सुना जाता है। आपने अजय अंजाम के रूप में अभी आग सुनी, अब मैं आपको राग को सुनवाना चाहता हूं। ये लड़की मुझसे बोली जब मैं आया ब्यावर, इसने मुझसे कहा कि सर मैं माफी मांगती हूं, मेरा गला खराब है। मैंने कहा, जहां तू जा रही है वहां गला नहीं सुनी जाती, कला सुनी जाती है। और फिर मैं एक प्रसंग पढ़कर, चूंकि कपिल महाराज जी बैठे हैं, मैं एक प्रसंग पढ़कर इस लड़की को आश्वस्त करता हूं कि आप इसे अच्छा सुनेंगे। आपके यहां से निकली हमारी मां मीरा तो वृंदावन पहुंची। वृंदावन में उस समय के एक बड़े आचार्य, जो हमारे सबसे बड़े बिहारी जी के मंदिर के पुजारी थे, उससे पहले उस मंदिर में एक सूचना थी कि केवल पुरुष अंदर जा सकते थे, स्त्रियां नहीं जा सकती थीं। और मुझे इस बात से हमारी माएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इससे नाराजगी है। मैं इन लोगों के साथ अहमदनगर गया था, मैं शनिदेव के मंदिर में नहीं गया। मेरे साथ हमारे घर की एक लड़की थी कविता तिवारी, मुझसे किसी ने कहा शनिदेव के मंदिर चलो, मैंने कहा पूरी आस्था है लेकिन जो भगवान मेरी मां और मेरी बहन और मेरी बेटी के साथ मुझसे नहीं मिल सकता, मैं उस भगवान से नहीं मिल सकता। उसके बाद जब वो खुल गया मंदिर तो मैं कविता को वहां पर लेकर गया मंच पर, और दिनेश भी मेरे साथ था। मीरा चली तो मीरा का शोर मचा कि मेवाड़ की महारानी आ गई, मेवाड़ की दीवानी हो गई, पागल हो गई है, इकतारा लेके गाती है और कृष्ण कृष्ण चिल्लाती है, महल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो जनता देखने के लिए आई तो आचार्य बाहर निकल के आए। आचार्य ने कहा, रुको रानी, अंदर तुम नहीं जा सकती। रानी ने कहा, अंदर मेरा कन्हैया है, परम पुरुष है, मुझे तो अंदर जाना ही है। आचार्य ने कहा, नहीं, अंदर केवल पुरुष जा सकते हैं। महारानी का उत्तर जिनकी समझ में आ जाए उन पर ताली बजाना। मेरी मां मीरा ने कहा, अगर केवल पुरुष जा सकते हैं तो एक तो अंदर है ही, फिर तुम यहां क्यों खड़े हो।
क्योंकि संस्कृत का व्याकरण कहता है कि परमात्मा शब्द पुरलिंग है और आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है। केवल एक पुरुष है परमात्मा, हम सब उसकी स्त्रियां हैं, हम सब उसकी गोपिकाएं हैं। रात को भजन संध्या हुई, सबने गीत गाए, मीरा ने भी गीत गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। लोग रोने लगे। स्वामी हरिदास जो तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे, वो भी बैठे हुए थे ऐसे ही, उन्होंने गर्दन ही नहीं हिलाई, वो प्रसन्न ही नहीं हुए, उन्होंने ताली ही नहीं बजाई। उठते समय मीरा ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मेरा गायन पसंद नहीं आया क्या? तो महाराज ने कहा, मीराबाई तुमने गाया तो बहुत अच्छा, पर तुम्हारा भजन राग में नहीं था। मीरा ने जो बात कही उसकी भूमिका के साथ ये लड़की यहां पर उपस्थित हो। मीरा ने कहा, मुझे पता था महाराज मेरा भजन राग में नहीं था, लेकिन मनुष्यों को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है और कन्हैया को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें योगिता का, योगिता चौहान। तालियां थोड़ी आपकी कम है, थोड़ी और तालियां बजाएं इस बच्चे को। सर हो आज आप, आज हो, क्या बात, 20 साल पुराने हो। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बढ़िया सुना जा रहा है, क्या बात है महाराज। पुनः आप सबको प्रणाम करती हूँ। माँ सामने बैठी है, उसका आशीर्वाद है, उसकी कृपा है, आदरणीय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है और आप सबका साथ है। एक बार जिनके दरबार में बैठे हुए हैं, आइए उनका जयकारा लगाते हैं। बोलिए आशापुरा मात की। बहुत अच्छे बेटा, हाँ एक आवाज में ठीक हो गया इसका गला। बड़ बेटा, भगवान भोलेनाथ का मंच है और स्वामी जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। चार पंक्तियाँ प्रभु के चरणों में सौंपती हूँ और आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनेगा कि दुखिया के हर एक आंसू को, दुखिया के हर एक आंसू को धैर्य बंधाता धाम रहे। वाह। दुखिया के हर एक आंसू को धैर्य बंधाता धाम रहे, और दूजी अरदास प्रभु मेरा जीवन निष्काम रहे। मैं इस दर पर खड़ी हुई हूँ एक निवेदन को लेकर, इस दर पर मैं खड़ी हुई हूँ एक निवेदन को लेकर, कि तन में जब तक सांसें जीवित, तन में जब तक सांसें जीवित मन में शिव का नाम रहे। तन में जब तक सांसें जीवित, ऐसे नहीं, एक बार हाथ उठाइए और जयकारा लगाइए। हर हर। बहुत अच्छे जयकारे हम लगवा लेंगे, तू कविता सुना। जिसके लिए मुझे आदेश हुआ है, मैं चार पंक्ति रखती हूँ माता मीरा की तरफ से उस सांवले के नाम। स्वागत है बेटा। कि बस तेरी रुसवाइयों से हो गई बर्बाद में, बस तेरी रुसवाइयों से हो गई बर्बाद में, याद कर यादों को तेरी बावली हो जाऊंगी, याद कर यादों को तेरी बावली हो जाऊंगी, कि आके तुम एक बार मुझको प्यार से देखो जरा, आके तुम एक बार मुझको प्यार से देखो जरा, कि फिर तू मेरा, फिर तू मेरा सांवरा में सांवरी हो जाऊंगी, फिर तू मेरा सांवरा में सांवरी हो जाऊंगी। और पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनेगा। एक प्रेमी को सौंपती हूँ, आप सब बैठे हुए हैं, मेवाड़ में सब युवा होते हैं, तो आप सबको सौंपती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरा विश्वास है। नीचे के पिछले पढ़, सब समझेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं ये, तू कुछ भी नहीं पड़ेगी तो भी खुश है। और क्यों इतना सोच रही है? जिसको देखो वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए, तुझको लय छंद की जरूरत क्या, जो भी गा दे वो गीत हो जाए। इसमें चौहान मत लगा, योगिता लगा।
हाँ नीचे से का आराम से, देखो आ गया फोटो खींच रहे, हाँ बेटा आराम से, तू भी लग पंक्तियां सकते हो सुनेगा, पढ़ बेटा आराम से। कि आया ख्याल तो कभी आकर नहीं गया, आहा अब है बढ़िया। आया ख्याल तो कभी आकर नहीं गया, वो शख्स दिल में बस गया बाहर नहीं गया, वो शख्स दिल में बस गया बाहर नहीं गया, मीलों की दूरी पाट के नदियां चली गई, मीलों की दूरी पाट के नदियां चली गई, नदिया से मिलने को कभी सागर नहीं गया, नदिया से मिलने को कभी सागर नहीं गया। और सकते हो पंक्तियां, अच्छी बात थी, बात अच्छी थी ये। कि चूड़ी तेरे बगैर ना कंगन तेरे बगैर, अच्छा है चूड़ी तेरे बगैर, वाह करो मैं तेरे साथ हूँ चिंता मत कर, हाँ कर वाह करो वाह। कि चूड़ी तेरे बगैर ना कंगन तेरे बगैर, भाता नहीं है मुझको ये दर्पण तेरे बगैर, भाता नहीं है मुझको ये दर्पण तेरे बगैर, सुनी मेरी हथेली है माँ का ही नाता है, सुनी मेरी हथेली है माँ का ही नाता है, कैसे बनूं बता दे मैं दुल्हन तेरे बगैर, कैसे बनूं बता दे मैं दुल्हन तेरे बगैर। बहुत बहुत धन्यवाद, एक नया गीत पढ़ना चाहती हूँ। हाँ ट्राई करो आज कुछ भी आप, बहुत अच्छे ये सुना तू मन से सुना। एक ऐसी लव स्टोरी आपके बीच रखती हूँ कि जो बचपन से प्रारंभ होती है और आपको युवावस्था तक ले जाती है, क्योंकि प्रेम का कब आरंभ हो जाए पता नहीं होता हमें, तब एक नया गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ। माता के दरबार में हूँ, आपका आशीर्वाद मिलेगा। स्वागत है, पढ़ बेटा। कि बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई, बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई, बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई, एक लड़के की एक दीवानी याद आई, एक लड़के ऐसे नहीं सब बात करो एक बार बजा ताली, कि एक लड़के की एक दीवानी याद आई। और बचपन में आप सब बैठी हुई हैं, गुड्डा गुड़िया खेलते थे, तब उस गुड्डे में कैसे अपने प्रेमी को देखती है एक प्रेमिका, सुनेगा। स्वागत है। कि गुड्डा गुड़िया सखियों संग सजाती थी, गुड्डे में तेरा प्रतिरूप बनाती थी, गुड्डा गुड़िया सखियों संग सजाती थी, गुड्डे में तेरा प्रतिरूप बनाती थी, जब गुड्डे का ब्याह रचाया सखियों ने, गुड़िया में खुद का आभास कराती थी, गुड़िया में खुद का आभास कराती थी, पावनता से ओतप्रोत उस चाहत में, पावनता से ओतप्रोत उस चाहत में, तेरी की हर एक नादानी याद आई, तेरी की हर एक नादानी याद आई, बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई। और प्रेमिका को देखने के लिए प्रेमी छत पे जाता था, आप लोग गए हैं छत से देखा जाके अपनी प्रेमिका को? बस आज नहीं जा पाए, हाथ धो एक बार, आज नहीं जा पाए तेरे चक्कर में आज यहाँ है, बाकी रोज जाते हैं ये। हाँ सुनाओ। कि मुझे देखने छत पर वो आ जाता था, मुझे देखने छत पर वो आ जाता था, कंकड़ और सीटी से मुझे बुलाता था, कंकड़ और सीटी से मुझे बुलाता था, हाथ छुआ जब मेरा रोज अकड़ती थी, हाथ छुआ जब मेरा रोज अकड़ती थी,
और किसी के आ जाने से डरती थी। बिना कहे दिल की सब बातें कह देना, बिना कहे दिल की सब बातें कह देना, तेरी आंखों की शैतानी याद आई, तेरी आंखों की शैतानी याद आई, बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई, बचपन की वो। और जब पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते हैं तब मैं पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनेगा। कि मुझे चिढ़ाने मेरा पेन चुराता था, मुझे चिढ़ाने मेरा पेन चुराता था, जहां रुकू मैं साइकिल वहीं लगाता था। याद आई अपनी बात? बजा ताली एक बार। कि मुझे चिढ़ाने मेरा पेन चुराता था, जहां रुकू मैं साइकिल वहीं लगाता था, चौक से प्रेम कहानी लिख दीवारों पर, चौक से प्रेम कहानी लिख दीवारों पर, मुझे देखकर क्लास में वो खो जाता था, मुझे देखकर क्लास में वो खो जाता था। और कभी आपने अपनी प्रेमिका को गोलगप्पे खिलाए हैं खड़े होकर? बहुत अच्छे। कि चौक से प्रेम कहानी लिख दीवारों पर, मुझे देखकर क्लास में वो खो जाता था, रामू के गोलगप्पे संग खट्टा पानी, रामू के गोलगप्पे संग खट्टा पानी, कैंटीन की तीखी बिरयानी याद आई, कैंटीन की तीखी बिरयानी याद आई। ताली बजाओ सब लोग। बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई, बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई। और अंतिम मैं रखती हूँ गीत का, सुनेगा। बहुत अच्छे। जब दोनों बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है इस प्रेम का, सुनेगा। फिर वो गोलगप्पे के ठेले लगा लेता है। पढ़, बड़ा हो गया वो क्या करेगा, बाकी तो बर्बाद हो गया, पढ़ नहीं पाया इसके चक्कर में, ठेला लगा लिया उसने। अच्छा, गोलगप्पे में पहले दिन से खट्टा पानी पी रही है। पढ़, हाँ आखिरी पढ़, चल। बचपन की वो ताली बजावे। कहानी याद आई, बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई। और जब बड़े हो गए तब उनके सपने सुनेगा। कि बड़े हुए हम अपनी किस्मत रूठ गई, बड़े हुए हम अपनी किस्मत रूठ गई, मेरे सारे सपने वादे लूट गई। कि तेरी शादी हुई दूसरी गुड़िया से, इस गुड़िया की जीवन रेखा टूट गई। तेरी शादी हुई दूसरी गुड़िया से, इस गुड़िया की जीवन रेखा टूट गई। बिन तेरे जीवन का कोई मोल नहीं, बिन तेरे जीवन का कोई मोल नहीं, प्यार में की तेरी बेईमानी याद आई, प्यार में की तेरी बेईमानी याद आई, बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई। एक बार सब लोग ताली उठाएगा, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर साहब को पढ़ना। एक बार मुझे विदा कीजिएगा। कि बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई, बचपन की वो प्रेम कहानी याद आई। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। लड़की का गला खराब था, एक बार तालियां बजा दो। बहुत अच्छे बेटा, क्या बात। हम सबके साथ यही हुआ है, हम सब बिल देने में ही रह गए, वो किसी और को दिल दे गई। अब क्या करें, ऐसे ही थोड़ी आदमी संन्यास लेता है। महाराज जी, हम भी उसी रास्ते पे हैं, क्या करें। कैसी तालियां बजाई इन भाभियों ने। मुझे आज तक कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिला, दुनिया की सारी प्रेम कथाओं आप देख लो, लैला मजनू, लैला चली गई महल में, मजनू सड़क पे पत्थर खा रहा, शीरी फरियाद। वाह, आपके फिर लाया भाई। नहीं कोई बात नहीं, चाय वाले से मैं कभी बहस नहीं करता। ओ, 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 ओ,
हाँ भाई, जिस जिसने चाय वाले से बहस की उसकी दुकान ही बंद हो गई भाई। ये जो दे दे, जो TDS काट ले, सब फाइनल है, जो GST काटे सब फाइनल है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। इस लड़की ने देखो जैसा भी था, क्या ये जितनी भी तुनो सुनो पुरुषो, तुम इतने मतलब कम दिमाग हो यार, इस पे भी ताली बजा रहे थे। ये जितनी भी कविताएं कवित्री सुनाती हैं, इसका सार ये है कि प्रकृति में जो कुछ श्रेष्ठ है वो स्त्री है। हम लोग तो गंगा जी की बाढ़ में बह के आ गए हैं, और आदमी इस चक्कर में फंस जाता है। मैं भी मारा गया, बारादरी पे और तारागढ़ पे मैं मिलने आता था अपनी लुगाई से, और अफेयर के दिनों में वो मुझसे बोली कि एक बार मैं आपकी जिंदगी में आ गई ना, तो मैं आपके आधे दुख ले लूंगी। तो मैंने कहा दुख, अपनी लाइफ में दुख है ही नहीं। अरे बोले एक बार लाइफ में आने तो दो। तब से आज तक दुखी कट रहे हैं, ऐसा फसल है। अच्छा ये क्या है, महिलाएं ना प्रोजेक्ट समझ के पुरुष पे काम करती हैं, सगाई के दिनों से बुद्धि का इन्वेस्टमेंट प्रारंभ करती हैं, या अफेयर के दिनों से। पहले शराब छुड़वाती हैं, फिर बियर छुड़वाती हैं, फिर सिगरेट छुड़वाती है, कैस्ट्रे जैसा मुंह बना रखा है, फिर दोस्त बदलवाती है, नीला वाला ठीक नहीं है, पीला वाला ठीक है। और शादी के समय तक 7-8 साल में, जब वो लगभग बिना भगवे के महाराज जी हो चुका होता है, तब एक दिन शाम को गोलगप्पे खाते हुए मदार गेट पे उससे कहती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा इसका पूरा सिस्टम फॉर्मेट मार दिया तूने, अब इस पे किसका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। लेकिन क्या करे, पुरुष इस चक्कर में फंस जाता है। अब बस मैं इसी प्रतीक्षा में हूं कि मेरी पत्नी किस दिन मुझे महाकवि बनाए, क्योंकि बिना पत्नी की कृपा के तो बनता नहीं। जब तक तुलसीदास जी ने रत्नावली का कृपा नहीं प्राप्त की वो नहीं बने, जब तक विद्युत्तमा ने कृपा नहीं कालिदास नहीं बने। अब बस हमारे और दिनेश बावरा की पत्नियों के हाथ में है कि किस दिन पृष्ठ भाग पे पद प्रहार करें और हमारे अंदर से कोई महाकाव्य निकले, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। सबसे पहला ऐसा दिनेश के साथ हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब हम दो कवि शेष हैं, एक मैं और एक देश का सबसे बड़ा कवि हाइट की दृष्टि से, सुदीप भोला। इसका नाम भोला है, लेकिन ये भोला भाला कवि है, चुभता भी है। अच्छी बात यह कि सच बोलता। भाई तू क्या चाहता है, इसे ले जा तू, उठा के यहां से। वैसे भी तेरे चैनल पे फिर स्ट्राइक आएगी, फिर चैनल उड़ जाएगा, फिर तू रोएगा। हाँ हमारे यहां सब यही होता है, फिर रोते जी मेरे चैनल में रिकॉर्डिंग हुई थी, चैनल उड़ गया, क्यों कर रहा है। देखो इस कार्यक्रम का आनंद, ये जो हजारों लोग आए हैं, माता है बहनाई, ये इनके लिए अधिकारी हैं, आपने मेहनत करके। अब आदमी घर पे सो रहा है, फिर कल इस वीडियो को देखेगा, पता नहीं किस दशा में सुने इसे, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी बचपन की प्रेम कहानी याद आई, फिर से पता नहीं कौन याद आने लगे, किसको फोन मिलाने लगे वो। हाँ आजकल तो फोन पे ऐसी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। हाँ तो ऐसे कह रहा था तू करता हो यही काम, कह रहा हाँ ऐसा होता है। तो मैं जिस कवि को सुनवा रहा हूं, शंकर का आनंद को शरीर से भाव में बदल देने वाले महाव्यक्तित्व का मंच है। शिवजी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। कवि का काम है कि वो भावना को मूर्त कर दे, और शंकर का काम है कि वो शरीर जो नष्ट हो गया उस भावना को जागृत कर दे। सोए गए शंकर समाधि में, माता पार्वती शादी करके बेकार हो गई, असुरों को आतंक बढ़ गया, देवताओं ने कहा कि काम ही नहीं चलेगा तो शंकर खुद उतरे या लड़के को उतारे, ऐसी तो होता है, या तो लोकसभा का टिकट आप लो नहीं तो लड़के को दिलाओ। तो बोले लड़का कैसे हो, लड़का तब हो जागे तो सही, वो तो समाधि में बैठ गए, अब उन्हें जगाए कौन। तो देवताओं ने बेचारे कामदेव को डेपुटेशन पे भेजा, उसका कोई कसूर नहीं था, उससे कहा जगाओ। बस कामदेव ने एक गलती की, महाराज जी आप बैठे हैं, कामदेव को शंकर के साथ छल नहीं करना चाहिए था। काम भगवान के द्वार पर दो बार पहुंचा, एक बार स्वयं कामदेव बनकर एक पेड़ के पीछे छपकर उसने 5 फूलों के अपने अस्त्र से शंकर को मूर्छित करने की कोशिश की, शंकर को जागृत करने की कोशिश की। भगवान ने आंखें खोली, देखा बकुल पारिजात शैफाली सब तरफ खिले हुए हैं, अचानक बसंत कैसे आ गया, कोने में देखा तो वो छिपा हुआ था। और शंकर को क्रोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से प्रलय ज्वाला निकाली
कामदेव भस्म हो गया। उसकी घरवाली आई रती, उसने कहा इसे क्यों मार दिया, ये तो देवताओं का काम कर रहा था, ऑफिशियल ड्यूटी पे था। तो उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति होती है, तो कामदेव की अनुकंपा नियुक्ति हुई। बोले ये आएगा नहीं, बस रजिस्टर में साइन होंगे और उसकी सैलरी चढ़ेगी। तब से कामदेव दिखाई नहीं देता, तुम्हारे दिल के रजिस्टर में उसकी सैलरी चढ़ती है और तुम विवाह कर लेते हो, प्रेम कर लेते हो। लेकिन यही कामदेव मेरे राम के पास भी पहुंचा। इस बार उसने गलती नहीं की, पिछली बार फंस गया था शंकर के चक्कर में, मारा गया। इस बार जब जनक की वाटिका में पहली बार नूपुर की ध्वनि सुनी हमारी माता भारतेश्वरी सीता के चरणों की, तो राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, जिन सपनेहु पर नार ने हेरी, हम रघुवंशियों ने स्वप्न में भी परस्त्री का दर्शन नहीं किया। ये पता नहीं क्या हो गया है लक्ष्मण के, मानव मदन दुंदुबी बाजी, मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि कामदेव की दुंदुबी बच गई है, मेरे शरीर में वो भाव उठ रहा है जो विवाहित हुए बिना उठना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने माता सीता का परिणय किया। क्यों? एक पंक्ति पढ़ रहा हूं संतों की उपस्थिति में, उस जयकारा मेरे राम का भी लगे जो शंकर का लगा है। इसलिए इस बार कामदेव बच गया क्योंकि कामदेव मां के चरणों में लिपट कर आया था, अगर ममत्व के चरणों में प्रेम लिपट के आए तो पिता उसे स्वीकार कर ही लेता, इसलिए बच गया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो कामदेव भी आए तो ममत्व में लिपट के आए, ममता के साथ आए तो वो स्वीकार है। काम को राम तक पहुंचना है तो माँ का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन काम अगर सीधा ही पहुंच जाएगा तो पिताजी उसकी वही लंका लगा देंगे जो शंकर जी ने लगाई थी। हमारे पिताजी ने भी हमारी कई बार लगाई थी, छत पे क्यों खड़ा है? मैंने कहा जी कबूतर देख रहा था। बोले मेरा लड़का होकर झूठ बोलता है, कबूतरी को कबूतर कहता है? ये जितने पिता होते हैं महाराज जी अपने जुगाड़ में रहते हैं। हमारे यहाँ इतनी सुंदर एक मैडम पढ़ाने आती थी, तो मैंने उसे चिट्ठी में आई लव यू लिख दिया। मैं बचपन से ही प्रतिभाशाली था, नहीं यानी कि सौंदर्य की कदर जानता था, तीसरी क्लास में पढ़ता था, मुझे थोड़ी पता थी बड़ी सुंदर थी, मैंने लिख दिया आई लव यू मैडम। तो उन्होंने शिकायत करी, तो मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, बोले मूर्ख आदमी ऐसी मैंने क्यों लिखा। मैंने कहा जी वो सुंदर बहुत है। अरे बोले वो अध्यापिका है, उन्हें अपनी माँ के समान समझो। मैंने कहा आप कैसे पिता हो, अपने ही जुगाड़ में लगे रहते हो भाई। तो अगर काम ममत्व के चरणों में आए तो राम तक पहुंचता है। मैं चाहता यह हूं कि जिस कवि को आमंत्रित करूं वो झूम के गाता है, गा के पढ़ता है समसामयिक टिप्पणियों को, फिल्मी गीतों में कविता सुनाता है। मुझसे एक सज्जन बोले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैं आपके मंच पे एक लड़का देख रहा था गांधी धाम में, वो फिल्मी गीत सुना रहा था, आप ताली बजा रहे थे। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम शरीर देखते रहे, मैंने भावना देखी। फिल्मी गीत केवल शरीर है, उस शरीर के अंदर उस लड़के की भावना क्या है वो कविता है। दूध पिलाती हुई मंदाकिनी के दृश्य में राज कपूर की फिल्म में जिन लोगों ने स्तन देखा वो कामुक थे, और जिन्होंने वो क्रिया देखी जिससे राम बनता है कृष्ण बनता है, एक माँ को दूध पिलाते हुए देखा, वो सच्चे भक्त थे, वो सच्चे अच्छे लोग थे। दृष्टि जैसी है वृष्टि वैसी है, सृष्टि वैसी है। तो इस प्रेम की दृष्टि में, इस आनंद की दृष्टि में होली आ रही है पास में, होली तक मैं आप पर नहीं पहुंच पाऊंगा, टीवी से पहुंचूंगा। अब आनंद यात्रा प्रारंभ करते हैं और भोले भाले उस कवि को बुलाते हैं जिसका सुंदर दीपक इस समय काव्य देवालय की चौखट पर ऐसा जल रहा है कि जिसकी चेतना से अमेरिका में भी उसकी कविता सुनी जा रही है और भारत में भी सुनी जा रही है। उसके कद के अनुसार तालियां बजाइए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा सुदीप भोला। कि पिछले दो महीने से लगातार जितने कार्यक्रमों में हम आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ हैं, आज जिस मन से उन्होंने एक एक कवि, एक एक कवि की जो भूमिका बनाई है, आज पता नहीं इस मंच में कुछ वाकई, आज इस मंच में कुछ दिव्य दिव्यता है। आज दिन भर यहाँ संतों के चरण पड़े हैं और एक हमारे कवि कुल के भी संत के चरण पड़े हैं। एक बार मैं चाहता हूँ जरा दोनों हाथ उठाएं और आज के आनंद की जय जयकार करते हैं। बहुत सारी बातें हुई, वो हमारी योगिता छोटी बहन है, गला बैठा हुआ है, मैंने इतने गोलगप्पे खाएगी तो बैठे गई, गला बैठा था, लेकिन उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ कविता पढ़ी। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं। अच्छा है।
बावरा के सामने पहली बार मैंने कहा चाचा तो मुझसे पूछ लेगा तो आपकी उम्र क्या है सर, मैंने कहा तुमसे 2-3 महीने छोटा। कामदेव की बात की, कामदेव दरअसल बेरोजगारों के देवता हैं। नहीं पहले पूरी सुन लो, पूरी बात समझ में आ जाए तो एक हाथ खाली मत रखना, मुझे शुरू कर देना क्योंकि मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ। कामदेव बेरोजगारों के देवता हैं। आप कहीं 1000-2000 बेरोजगारों को बिठा दो तो वो एक ही बात कहेंगे, कामदेव कामदेव काम। अच्छा है, सरकार को मंत्रालय बनाना पड़ा, बेरोजगारी भत्ता शुरू करना पड़ा। मैं राजनीतिक टिप्पणियां करता हूं। अभी पिछले दिनों धोखे से एक नंबर कहीं लिखा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा, मैंने डायल कर दिया, मैंने हेलो पूजा बोल रही हो, तो कहने लगी कि भाजपा की सदस्यता लेने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा है, गुजरात के चुनाव आए तो मुझे बुला लिया गया कि आपने सदस्यता ली थी, काम करने आ जाओ। हम भी पहुंच गए, हम भी कामदेव बोल रहे थे, मिल गया तो उन्होंने कहा ये बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाने का काम है सुदीप जी आपका, जाओ लगा के आओ। हाँ। बहुत बड़ा बैनर दे दिया, चुनावी लक्ष्य गुजरात का अब की बार 200 पार। मैं जाके पेट्रोल पंप पे लगा आया। उसके बाद तो दूसरा काम मैंने ऐसा किया कि कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, उनने बैनर दिया आएगा तो मोदी ही, मैं जाके जच्चा बच्चा अस्पताल के सामने लगा आया। पिछले दिनों राजस्थान आना हुआ, किसान की कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया था, बड़ा मंच था, नीचे से एक बोलने लगा जैसे ही मैं खड़ा हुआ कि वो वाली सुनाओ, और पंचलाइन, मैंने कहा गुरु अगर ये पूरी कविता पढ़ दी तो तुमको भी पदयात्रा करके ही वापस जाना पड़ेगा, तो मैंने एंड टाइम पे उसकी पंक्ति बदली, मैं शुरू करता हूँ बस ऐसे ही मन से सुनिएगा, आपकी तालियों की ताल मिलेगी तो मुझे भी आनंद आएगा, मैं भी दुगने मन से सुनाऊंगा, सुनिएगा। मैंने शुरू किया के नमो नमो के नारे, खूब हुए जयकारे काशी वाले विश्वनाथ ने, खोल दिए भंडारे सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का राजस्थान था और राजस्थान है। मैंने पंक्ति बदली, हास्य के साथ अगर व्यंग्य हो जाए और कभी धर्म का निर्वाह तो फिर एक भी हाथ खाली मत रखना, मुझे शुरू करना है आपको। स्वागत है। के नमो नमो के नारे, खूब हुए जयकारे काशी वाले विश्वनाथ ने, खोल दिए भंडारे सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर तेल हो गया और खेल हो गया। तो मैंने पेट्रोल पर एक पैरोडी लिखी, सुनाता हूं आनंद लीजिएगा, फिर मैं यूपी का चुनाव सुनाऊंगा आपको जो सर्वाधिक वायरल है। स्वागत है। मैंने लिखा कि तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए, आहा, तेल करो और कोई, तेल गरीबों का निकला जाए, डीजल दिखाए मस्त अदाएं,
पेट्रोल काये एटीट्यूड हाये डीजल दिखाए मस्त अदाएं पेट्रोल काये एटीट्यूड हाये नोट गुलाबी देख के शर्माए आहा 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 तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना तेल गरीबों का निकला जाए खत्म हाँ, अध्याय समाप्त। मैं यूपी का चुनाव परिणाम चार चरणों में सुनाता हूं। पहला वो हमारे रालोद के वो जयंत चौधरी साहब जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप जिसका टोंटी से गठबंधन हुआ था उनको मनाने शाह साहब गए, फिर यूपी का चुनाव परिणाम आया, फिर उसके बाद में मेरी अखिलेश जी से मुलाकात, फिर राहुल जी की मोदी जी से मुलाकात। चार छोटी छोटी पैरोडियां सुनाता हूँ और आज एक नया गीत सुनाने का प्रयास करूंगा मंच की गरिमा के अनुकूल, लेकिन ये सुनिएगा आनंद आएगा आपको। सबसे पहले अमित शाह जी गए जयंत चौधरी जी को मनाने कैराना, कैसे गए सुनना। आप लोग जिस मन से सुन रहे हैं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बस यही ऊर्जा देते रहिएगा। आप भी बजाओ, बहुत अद्भुत। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, हो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, ऐसा ही फेंका था। अरे कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में वही अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का फसाने में, टोंटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं और अभी तक इंतजार करते हैं। नहीं, फिर यूपी का चुनाव परिणाम आ गया। मैं आपको सुनाता हूं भोजपुरी स्टाइल में, इसमें आपको एक जगह आहा करना है, एक जगह ओहो करना है, एक जगह लेकिन आज ही बस, कल से बंद। सुनना, टाइमिंग ठीक रखिएगा। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक, योगी टॉप लागेला, हो योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। अच्छा है, अच्छा है। फिर उसके बाद में मुझे अखिलेश जी मिले तो मैंने उनको चुनाव परिणाम सुनाया, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल, चुनाव और परिणाम सुनाया मैंने कच्चा बादाम स्टाइल में। सुनना आप लोग, मैंने अखिलेश जी से कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, अरे पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। तालियां बजाओ, क्या कही है। वाह सुदीप वाह, अरे बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, अरे बाबा का नाम छाया, बाबा जी को समझा था क्या, कच्चा बादाम साइकिल धड़ाम, काका छीछी वाली दीदी वो बंगाल में है, अरे काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या, साइकिल साइकिल धड़ाम हो गई,
साइकिल धड़ाम हो गई। उसके बाद में राहुल जी और मोदी जी का आमना सामना हुआ। राहुल जी की समस्या ये कि मेहनत खूब करते हैं लेकिन सीटें नहीं आ रही यूपी में। अपनी सीट छोड़ के भी बेचारों को साउथ में जाना पड़ा। लेकिन दोनों का आमना सामना हुआ तो बातचीत मैंने बनाई है गुजराती स्टाइल में। अच्छा है, बस जैसे सुन रहे हैं थोड़ी और ऊंचा से सुनना, उसके बाद में थोड़ा गियर बदलूंगा। सुनना राहुल जी मोदी जी बातचीत शुरू। के मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले सेम छे सेम छे सेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे, मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले सेम छे सेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, यही तो गेम छे गेम छे गेम। अरे सिद्धू को लेने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लेने भेजू तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय, मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे भैम छे। गजब बेटा। अच्छा अगर आप कहो तो एक छोटी, हाँ हाँ सुना मन में सुना तू आज चिंता मत कर। गुजरात गुजरात में चुनाव हुए तो वो हमारे दिल्ली का आइटम गया हुआ था। अच्छा समस्या हम दिल्ली वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हमने समस्या को वहां का मुख्यमंत्री बना रखा है। गुजरात गए वहां पे 5 सीटें जीते, 5 पहले तो सरकार का दावा था लेकिन बना नहीं पाए। दिल्ली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं बैल का दूध लेके आया हूं। मैंने हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी, अरे मैंने इतनी छाती मत पीटो यार, क्या मतलब है। एक पैरोडी सुनना गुजराती स्टाइल में, बिल्कुल ताजा तरीन है, फिर मैं चेंज करूंगा। सुनना दिल्ली में वो हाय मोदी कर रहे थे और उन्होंने जो बयान दिया वो सुनना कि हाय मोदी हाय मोदी हाय हाय, यहां कांग्रेस वाले बैठे तो गा सकते हैं। अच्छा है अच्छा है। अरे एक झाड़ू वाला आजकल दिल्ली में यही गाए गाए गाए, हाय मोदी हाय मोदी हाय हाय मोदी हाय, गुजरातियों से पड़ गया पाला, क्या करना था बैल का जाकर तुरुरुरु दूध निकाला तुरुरुरु, और गाय खड़ी पगुराए हाय हाय हाय। अच्छा है अच्छा है, तालियां बजा दीजिए, अध्याय समाप्त हुआ। एक गीत सुनाता हूं, मेरा मन है नया गीत है। हमारे अजय भैया ने आज जो चेतक का गीत सुनाया है, कविता सुनाई है, मैं सही बता रहा हूँ, एक एक रोंगटा खड़ा कर दिया। एक बार जितना प्यार दे सकते हो एक बार अजय भैया को दे दीजिएगा। इनके हिस्से अगर प्रताप राणा प्रताप का चेतक आया तो भगवान राम की कृपा से मेरे हिस्से में एक छोटी सी गिलहरी आई है। मैं गिलहरी का गीत सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कविता बेटा। जब भगवान राम राम सेतु का बन रहा था, बानर सेना सेतु बनाए, सुन लेना, एक बहुत बड़े लोग बैठे हैं, गुरुवार बैठे हैं, एक छोटा सा गीत लिखा है सुनना। जब मुझे अभी श्रीलंका सीता एलिया जाने का सौभाग्य हुआ तब वहां ये गीत लिखा है सुनना। राम सेतु बन रहा था तो बानर सेना पूरी ताकत से सेतु बनाने में लगी हुई थी। एक छोटी सी गिलहरी थी जो बार बार पानी में गीली होती, तट पे आती, रेत लपेटती और अपने एक एक रोम से एक एक कण उठाती, जाकर के पानी में घोल देती जहां सेतु बन रहा था। अब काम बाधित हो रहा था, बानर सेना को भी ये लग रहा था कहीं पैर ना लग जाए तो बच बचा के चल रहे थे। ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी को लगा ये जो हो रहा है
कर जो भी कुछ रही है लेकिन काम बाधित हो रहा है, तो उन्होंने हनुमान जी ने उसको झटक दिया, हक ग्रहली बिल्कुल किनारे खड़ी हो जा, कोई पैर रख देगा मर जाएगी, पैर दब जाएगा, चोट लग जाएगी। अब गिलहरी जाके यूं खड़ी हो गई, डर गई। ये दृश्य राम जी ने देख लिया। उन्होंने गिलहरी से पूछा, क्या कर रही हो? जब पता है इतना बड़ा काम चल रहा है तो क्यों, क्या कर रही थी? कहने लगा, कुछ नहीं प्रभु, अब इतने बड़े पत्थर तो उठा नहीं सकती, इसलिए अपने एक एक रोम से एक एक कण उठा करके मैं जाकर के राम सेतु निर्माण में काम अपना हाथ बटा रही। ये सुनते ही, ये ही सुनते राम जी पसीज गए। अरे कहले, हनुमान जी से तो गलती हो गई है, हाथ में ले लिया। बोले, अब गिलहरी आज तू जज है, बता हनुमान जी को आज क्या क्या सजा क्या देनी है, गिलहरी की बात सुनना और मुझे गीत के लिए आदेशित करना। राम जी ने कहा, बता गिलहरी क्या सजा दें, उनने तुझे राम काज से रोका है, आज तू जज है। कहने लगा, कुछ नहीं प्रभु, हनुमान जी की जरा पीठ थपथपा दो एक बार मेरी तरफ से। अरे तुझे डांट रहे हैं, झटक रहे हैं तुमको, और तुम कह रहे हो पीठ पीठ थपथपा दो। कहने लगी, हाँ प्रभु, अगर अगर मुझे हनुमान जी आज झटकते नहीं तो हम आपके हाथों में आके अटकते कैसे। एक गीत रिदम से सुनाना चाहता हूँ, रिदम से सुनिएगा, संतों के चरणों का आशीर्वाद मिल जाएगा, सुनिएगा। अच्छा है कि गिलहरी भाग सजावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे। सब अगर मिलके, ये भी कार सेवा है। हाँ जीत रहे बेटा, वाह क्या मीठा गाया। गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। मैं धन्य हो गया था। हाँ हाँ अद्भुत है, क्या बढ़िया गाया, वाह 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 वाह। बड़े बड़े वीर खड़े, बड़े बड़े जंगी, बड़े बड़े वीर खड़े, बड़े बड़े जंगी, नल नील संग महाबली बजरंगी, सागर की रेता में देह सारी रंगी, सागर की रेता में, थोड़ी ऊर्जा बढ़ाइए, सागर की रेता में देह सारी रंगी, सागर की रेता में देह सारी रंगी, पंक्ति देखना, सागर की रेता में देह सारी रंगी, शक्ति प्रदर्शन नहीं समर्पण भाव दिखावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए, जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए अवसर। याद कीजिएगा इस पंक्ति को सुनते समय, कहीं कार सेवकों की कुर्बानियां अगर आपके जहन में आ जाए तो साथ हो जाइएगा, कि जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए अवसर था अवसर पे, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए। राम है तू है राम से तू सब राम करावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। आखिरी अंतर सुना के स्थान लूंगा, पूरे मन से सुना रहा हूं, पूरे मन से विदा कीजिएगा। कि जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, अगर हनुमान जी ने पूरा तन अपना सिंदूर से रंग लिया तो गिलहरी ने भी पूरा तन रेत से रंगा और राम के काज में लगी रही। सुनना, जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, वो कह रहे थे गिलहरी संभल कर, वे कह रहे थे गिलहरी संभल कर, पैरों से रख दे ना कोई कुचल कर, पैरों से रख दे ना कोई कुचल कर,
हनुमत कृपा मिली तो कर में राम बिठावे रे। दोनों हाथ उठाइए। गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे। गिलहरी भाग सजावे। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है।